लाइव। मेरा नाम है रोहित वर्गीस एंड वेलकम टू रेड बुल शोडाउन। एंड मैं अपने बारे में क्या ही बोलूं, आई एम अ रेडियो जॉकी इनसाइड द स्टूडियो, आई एम एन एंकर आउटसाइड द स्टूडियो, लेकिन यहां पर रेड बुल शोडाउन में आपके फेवरेट गेमर्स, आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स आर आल्सो आउटसाइड टू प्ले सम अतरंगी रियल क्रिकेट। यस एब्सोल्युटली। And I am Angad Singh Raniyal, a stand-up comedian and a professional cricket watcher. Wow. मतलब रोहित, मैं इतना क्रिकेट देखता हूँ कि मैं लोखंडवाला लायंस वर्सेस जूहू जैगवार्स की भी मैच देख लेता हूँ। Wow. पर आप सोच लो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार। एक्चुअली मैं इस संडे अहमदाबाद में स्टेडियम में था मैच देखने के लिए और उसका मुझे इतना ही गम हुआ है, क्या मुझे लग रहा है मैं टेक्निकल क्रिकेट तो नहीं देख सकता हूं। अब मुझे क्रिकेट देखना ओनली विद एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट तो यहां पर भरपूर मिलेगा, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इस बार जो गेम होने वाला है, ऑफ कोर्स वेनम वर्सेस टेक्नो गेमर्स का होने वाला है फिर एक बार, लेकिन इस बार टेक्नो गेमर्स चाहेंगे कि थोड़ा सा बदला ले लें, एक रिवेंज वाला मैच हो जाएगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से रिवेंज की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बार हाईलाइट दिखा देते कि पिछले साल एग्जैक्टली इसी मंच पर क्या हुआ था। हैव अ लुक। Welcome to the cricket invitational. Red team, which is headed by Ankit Pant. Blue team, headed by Ujjwal Chaurasia. हम टॉस जीते थे, बट मैंने बॉलिंग चूज करी क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अपनी टीम में बॉलर पावरफुल है और हम स्टार्टिंग में अगर इन पर दबाव डाल देंगे विराट कोहली जैसा ना। Let the games begin. Oh, six four. ये ओवर कहीं ना कहीं एक नाइटमेयर बन के निकलेगा टीम ब्लू के लिए। Oh, goal. Run out chance. अरे मार। Second innings is coming your way, ladies and boys and girls. 134 is the target right now. Pressure है वैसे। लग रहा है 50 में all out हो जाएगी। Blue team, get set. उज्जवल कप्तान स्वयं आ चुके हैं। ये एक अच्छा अच्छा है। What a start, techno. एक अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। अगली गेंद। Oh, well fielded, यार। अरे विकेट। Game over. It is the red team that wins it. Game on. अब ये हाइलाइट्स देखने के बाद मुझे थोड़ा सा साइड में हो जाना पड़ेगा क्योंकि वन साइडेड गेम ही था। या दैट्स इट्स ट्रू, है ना। लेकिन बदला इस बार ले सकते हैं टेक्नो गेमर्स, काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं क्योंकि इस बार उनके हिसाब से जब टीम सिलेक्शन हो रही थी नांगत, या टेक्नो वॉज लाइक कि यार इस बार सॉलिड टीम बनी है, वो तब से एक हफ्ते पहले से काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि इस बार टेक्नो गेमर्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्या है उनकी लाइनअप, क्या है उनकी टीम आफ्टर द टीम सिलेक्शन। सो इस बार टेक्नो गेमर्स की टीम इस प्रकार की दिखेगी आपको। ऑफ कोर्स राका जोन जो पिछले साल थे वेनम के साथ हैज जॉइन टीम टेक्नो। लॉल्स जो मतलब टेक्नो की टीम की परफॉर्मेंस भी थी इस बार, लॉल्स भी एक बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं टेक्नो के लिए। लास्ट सीजन उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई थी। एंड देन वी हैव साक्षी, वी गॉट सौरभ जो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं क्रिकेट पर, लेकिन उनका रियल क्रिकेट भी काफी सॉलिड है। जाया पे फोकस तो रहेगा क्योंकि ऑन अ हैट्रिक थी ये पिछले सीजन, सो इस बार शी वुड बी लुकिंग एट you know clocking that hat trick this time. And Hydra Flick, ab naam mein flick hai to cricket to acha hi ho gayi. ha mujhe lag raha Hydra Flick ko cover drive to khelna allowed hi nahi ho sakta. like bhai sahab aapke naam mein flick hi hai sirf. team hydra keh raha hu, team techno ka confidence todne ke liye aa rahi hai team venom. to dekhte hain team venom ke playing 7 mein kaun kaun hai. वी आर ऑब्वियसली द कैप्टन वेनम जो कि कुछ 11 फीट के प्लेयर हैं। जब बचपन में क्रिकेट बॉल छज्जे पे चली जाती थी उनको लैडर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, खुद से ही निकाल लेते थे। एंड देन दे हैव द एमवीपी ऑफ लास्ट ईयर जॉनथन विद देम। विली गेमिंग इज देयर, जिन लोगों को नहीं पता है वो मुंबई में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, फिर एक दिन किसी ने उससे बैट ले लिया और कीबोर्ड दे दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वी हैव डॉबी विद अस, शुक्र है दूसरी टीम में कोई हैरी नाम का प्लेयर नहीं है, नहीं तो वो उनको मार नहीं पाती। एंड आपके पास सौरभ है तो हमारे पास भी फोकस्ड इंडियन है यार, करण है, वो तो ऑलरेडी 15 रील बना के अपलोड भी कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। सो आई थिंक इन एवरी गेम वी आर वे अहेड ऑफ टीम टेक्नो। बिल्कुल। एंड अगर इंस्टा रील्स की बात हो ही गई है तो यहाँ पर राइट बिफोर द गेम, राइट बिफोर द स्ट्रीम स्टार्टेड, तो यहाँ पर सौरभ भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, फील्डिंग की प्रैक्टिस की, बैटिंग की प्रैक्टिस की और रील्स की भी प्रैक्टिस कर ली, दो चार उन्होंने भी रील्स बना दिए। तो कॉम्पिटिशन देखते हैं कौन जीत सकता है वहां पर। बट ऐसा नहीं है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ हम दो हैं, वी इवन हैव फील्ड रिपोर्टर्स, वी हैव रियली अप द गेम फ्रॉम लास्ट सीजन। तो जो हमारी पहली फील्ड रिपोर्टर है, अगर रोहित समझो कि पोपाय की गर्लफ्रेंड जो ऑलिव थी वो अगर कल्याण में रहती होती,
अच्छा, और उसकी हाइट ऑलिव से आधी होती। ओके, तो बनती हमारी पहली फील्ड रिपोर्टर उर्जिता वानी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कॉमेडी के हरभजन सिंह। अगर आज वो यहाँ होते तो फिर आपकी कॉमेंट्री देख के अपने आप को चाटा मार देते, पर कोई बात नहीं। वेलकम टू द रेड बुल शोडाउन। माय नेम इज उर्जिता वानी एंड आई विल बी आवर ऑन फील्ड रिपोर्टर फॉर टुडे, एंड विथ मी आई हैव द कैप्टन ऑफ आवर फर्स्ट टीम टेक्नो। हाउ डज इट फील टू बी हियर? रिवेंज, बस रिवेंज लेना भाई। पिछली बार वन साइडेड का ये लोग इतना फायदा उठा रहे, जलील करा जा रहा है भाई। स्ट्रीम चालू होते ही दिखा दिया पिछला मैच हम लोग कैसे हारते 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 हारते, तीन दिन से ही सुन रहा हूँ। तो फिर आज क्या आप फुल्ली चार्ज्ड अप टू आए ही जीतने के लिए? आज आए जीतने के लिए। या माइक तो लो, बोलने नहीं दे रहे यार। टीम बहुत गुस्से में बैठी हुई है, तो इस बार टेंशन नहीं, लपेट देंगे इन्हें, लपेट देंगे। ऑलराइट देन, आपने सुन दिया, आपने सुन लिया है। सो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द टीम्स। तो क्या आप रेडी हो अपने टीम मेंबर्स को हमसे इंट्रोड्यूस करवाने को? यस, उधर से आएंगे, उधर से। इधर थोड़े से वीक प्लेयर हैं, तो थोड़ा पावर से चालू करते हैं। माइक लेना है क्या? एक सेकंड, एक मिनट आ रहा हूँ। मुझे पता है लाइव थोड़ा खराब होता है ऐसे, बट कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, पहले हम प्लेयर फर्स्ट है सौरभ, ये हमारी टीम के न्यू मेंबर हैं। इतना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है ना भाई, मुझे लग रहा था बोलना पड़ेगा कि भाई आपको ओपन करना, भाई ने सामने से खुद से बोला। पक्का है ना? हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर वो उनका होगा, अपना तो सिर्फ कॉन्फिडेंस है। फेथ, बिलीव, बिकम। डराया है भाई ने, मैं भी अभी फुल पावर थी। नेक्स्ट है राका जिन। हाँ, अभी क्या करते, तबीयत खराब हो गई? हाँ यार, थोड़ा डाउन लग रहा है ये भाई। पता है अभी जब टीम में आए थे फुल कॉन्फिडेंस है, अभी मेरे से मजे ले रहे हैं यार। अभी तक कह रहे थे उड़ूंगा, पिछली बार उड़ के कैसे करिए, इस बार करनी है नहीं करनी? हाँ इजी विन है यार, इतना सॉफ्टली कोई बोल देना इजी विन है, मैं समझ नहीं आता मजे ले रहा क्या है। नेक्स्ट है, इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। लॉल्स, लास्ट टाइम बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करी थी, इस बार आप कुछ ही कह दो, मैं थोड़ा सा बोर हो गया ना यार। क्या इस बार भी डालने हैं अपने को हवा में शॉट डालना है? कितने? 300 कह रहा था मुझे। ये खुद का बात कर रहा है? 300 पूरी टीम के हमारे बंच, वैसे टारगेट हमने ऐसे करा है ऐसे 150-200 का। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लिक, कुछ आप खुद ही कह दो, अपनी तारीफ कर दो भाई। बॉलर इन्होंने बोला बॉलिंग बहुत तगड़ी करूंगा और कर रहे हैं। मैं बोलूंगा हाइप अप मत करो, अंडरडॉग स्टोरी हमेशा फायर होती है, सो ठीक है कोई बात नहीं। और नेक्स्ट भाई, इन्होंने पिछली बारी ओपोनेंट टीम में रह के 3 विकेटें गिराई थी, तो मैंने सोचा यार इस बार तीन थी, अच्छा दो थी, चलो कोई बात, चार गिराई थी, इस बार पांच रहेंगे, इस बार पांच लेंगे पक्का। तो देख रहे हो भाई टीम कितनी खतरनाक। और नेक्स्ट मेंबर, देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे पिछली बारी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी, तो इस बारी आप कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले? पिछली बारी ऑनेस्टली मैं थोड़ा अनप्रिपेयर्ड थी, बट आप इस बार काफी प्रिपेयर्ड लग रहा है मुझे, सो होपफुली आई परफॉर्म रियली वेल और मेरे कैप्टन एकदम खुश हो जाए। वैसे आपने वीक प्लेयर बुलाया हमको, तो सोच रही मैं रेड में जाऊँ क्या, अभी थोड़ा जर्सी चेंज सोच रही हूँ मैं। देखो गद्दारी कर रहे हो भाई, गद्दारी कर रहे हो गए। तो चलो, तो ये थी मेरी टीम फुल पावर। Alright then, this was our first team. Thank you so much. Over to you, Rohita Nangat. Thank you so much, Urjita. And देखो इस बार शायद माहौल थोड़ा सा बड़ा है, शायद बजट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक ऑन फील्ड रिपोर्टर नहीं, हमारे पास एक और ऑन फील्ड रिपोर्टर है, एंड इस समय वो है टीम वेनम के साथ। ये वो इंसान है जिनसे आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। एंग्री बर्ड जो गेम है ना, उसमें बर्ड्स एंग्री क्यों है पता नहीं, इनकी वजह से। Oh my goodness. जो मूवी है ना साला खड़ूस, वो इनकी बायोपिक है। ओह माय गॉड, ऐसे इंसान है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली गेम मास्टर जेडी जो है इस समय टीम वेनम के साथ। यार रोहित पीछा करते करते इधर भी आ गए, वेल वो सब बातें बाद में। मैं हूँ रेड टीम के साथ, ऊंचा लंबा खद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंकित पत, ऑल्सो नोन एज वेनम। यार वेनम, टीम के बारे में कुछ बताओ यार। टीम बहुत कॉन्फिडेंट है एंड पिच पे जाने के लिए रेडी है। मैंने उनसे बात की थी, वो लोग बोल रहे थे कि कितना टारगेट रखें। हमने डिसाइड किया है कि अगर बैटिंग कर रहे हैं तो अराउंड 150 रखेंगे। सब ने देख लिया है कि इन्हों कहाँ बाउंड्रीज और कहाँ मारनी है। हमारे पास विली भी है जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, तो वही पिच पे बहुत बार खेल चुके हैं, तो उन्होंने भी हमें थोड़ा गाइड किया है। और जॉनी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बोल रहे थे कि इस बार भी MVP मैं लेके जाऊँगा। ओके, सो पहले हैं हमारे पास विली जी, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और आप कैसा फील कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हो आप? कैसा फील? फिलहाल तो गर्म फील कर रहा हूँ, बट रेड बुल पीने के बाद चिल हो गया हूँ। क्या लगता है आपको आज कितना स्कोर मारोगे आप? मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट हर ओवर में 20 मारूँ।
बस तो आपने देख लिया कितनी कॉन्फिडेंट है मेरी टीम। सेकंड है हमारे पास फोकस्ड इंडियन, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आज इनसे ही बात करके पूछते हैं, आज क्या लगता है आपको आज कितने स्कोर चेज करेंगे, मतलब कितने रन मारेंगे हम? मुझे लगता है कि स्कोर मैटर नहीं करता, टीम जितना मैटर करता है। तो इसके लिए मैं टीम के लिए खेलूंगा, खुद के लिए नहीं। क्या बात है, क्या बात है, अरे रोना आ रहा है, देख लिया आपने। अब तीसरे हैं हमारे पास क्रॉन्टन जी, कैसा फील कर रहे हो आप, आपको क्या लगता है आज हम चेस करेंगे या बैट करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी बतानी है कुछ हमने जो डिसाइड किया? स्ट्रैटेजी तो अभी ग्राउंड पे पता चलेगी, हम बताएंगे नहीं और जीतेंगे यार, जीतने के लिए। जैसे आपने देखा ये भी जीतने के लिए आए हैं, तो हमारी पूरी टीम कॉन्फिडेंट है। और MVP और अवार्ड तो आपको पता ही है हमारे, ये जो बोल रहे थे बैटिंग करके भाग गए थे। तो आप बताओ टेक्नो से, आपको टेक्नो की टीम से आपको किसी से डर लग रहा हो या कैप्टन से कुछ? बिल्कुल यार, बहुत इजी है वो लोग अभी लाइक, बट यही स्ट्रैटेजी ये है कि भाई बैटिंग करके भाग जाते, बॉलिंग नहीं मिलेगी तुम लोग। तो ये गली क्रिकेट वाली हमारी स्ट्रैटेजी है। अब हमारे पास है मीजो, हेलो मीजो। हाय। या आई एम थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दीज गाइज आर गोइंग टू स्कोर इफ दे गो बैट फर्स्ट? आई थिंक 80-90, मतलब नॉट इवन 100? ना। सो एज यू कैन सी यहाँ पे डिसाइड हो चुका है स्कोर। नेक्स्ट है हमारे पास डॉबी जी, हाय। हाय, बहुत क्यूट है सब यहाँ पे। ओके, सो इफ यू आर ओपनिंग द बैटिंग, व्हाट डू यू टारगेट द स्कोर? आई वुड से 50। दैट सी, दिस इज द कॉन्फिडेंस इन माय डगआउट। एंड नाउ JD जी, यू नो वेल, ये थी टीम रेड, चलते हैं टुवर्ड्स अंगद एंड रोहित। थैंक यू सो मच गेम मास्टर JD। एंड ये जो टीम्स बनी हैं वो लोग खेलेंगे किस मैदान पर? इसी मैदान पर। एंड अंगद क्या कर रहे हो यार, कौन सा, क्या मॉइस्चर कितना चेक कर रहे थे क्या? नहीं यार, मैं देख रहा हूँ ये पिच जो है ना बहुत ही खास मटेरियल से बना है। ओके, ये ना पिछले साल के टेक्नो गेमर्स की टीम के जो आंसू थे ना उसको सुपर कंप्रेस करके अच्छा हमने ये स्पेशल प्लास्टिक मैट बनाया है उनके। ओके, तो इसमें बाउंस ज्यादा मिलेगा टेक्नो की टीम को? नहीं, सबको ही बराबर बाउंस मिलेगा, आई थिंक कंसिस्टेंट बाउंस होने वाला। सुबह था थोड़ा मॉइस्चर, बट माशाल्लाह जो सूरज निकला है इधर, अब समझ में आ रहा है कि गिल बेचारे को भी क्यों क्रैम्स आ गए थे खेलते वक्त यहाँ पर। बट हाँ, तो ये पिच पे प्रॉपर बाउंस मिलेगा। वेनम के तो मुझे लग रहा है घुटने तक ही आनी है सारी बॉलें। ओके, सौरभ को बस बाउंसर मिलेंगी सब। हाँ, एंड स्पिनर्स को असिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, ना फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस है। ओके, एंड असिस्टेंस यहाँ पर किस चीज के लिए यहाँ पर हुआ जाएगा? बेसिकली आपको थोड़ा सा रूल्स बता देते हैं। yeah. जो आप गली में क्रिकेट खेलते हैं बस ये थोड़ा सा और अतरंगी है और थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि गली में जो आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं कि जिसका बल्ला उसका हल्ला, सक्सेना आंटी के यहाँ बॉल गया तो विकेट है क्योंकि सक्सेना आंटी बॉल वापस नहीं करती, उसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम लोग बना लेते हैं। रोहित थोड़ा डिफरेंट भी, आप देखो हमने कितना बाउंड्री वॉल लगाया हुआ है हर तरफ, बाउंड्री रोप हर तरफ है, तो हर तरफ का चौका और छक्का है। गली क्रिकेट की तरह नहीं की सिर्फ सीधे के रन मिलेंगे या लेग साइड। आप क्या कर रहे हैं इधर, आप तो फील्ड रिपोर्टर थे ना? गेम मास्टर JD, जो रूल्स आप बता रहे हैं ना इधर, जी जी जी, ये बनाए मैंने। क्या बात कर रहे हो? अंपायर साहब यहाँ का। अच्छा, अंपायर आप ही हैं? यस। लगता है बजट काफी कट हो गया था अचानक से। अच्छा, मतलब ऑन फील्ड रिपोर्टर को अंपायर भी बना दिया? या अंपायर को ऑन फील्ड रिपोर्टर? बट रोहित आप रूल्स बताइए, बताइए। हाँ, तो रूल्स तो वही है कि बेसिकली यहाँ के कर्ता धर्ता सब गेम मास्टर JD हैं, कि कौन सी डिलीवरी लीगल होगी, कौन सी डिलीवरी नो बॉल होगी मैच के बाद। पहले बेसिक से चालू करते हैं कि हर टीम में 7 प्लेयर है, एक ओवर में 6 लीगल बॉल डलेंगी। आपने देखा होगा उसमें कि पिछले साल हमने अंडर आर्म अलाउ करा था, इस साल सिर्फ ओवर आर्म बॉल है, दो आपको चेकिंग अलाउड है, लेकिन उसमें भी फास्ट चेकिंग नहीं कर सकते। बेसिकली आप नए प्रोसेसर से आप चेकिंग नहीं कर रहे, आप 3-4 साल पुराने ग्राफिक के साथ आप चेकिंग कर रहे हैं। जो स्पीड रहेगी, जितनी स्पीड रहेगी वो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे लगा ज्यादा फास्ट है, उधर ही नो बॉल। अच्छा, नो बॉल दे देंगे आप? सीधा नो बॉल। तो इसमें कोई क्राइटेरिया है कि मतलब कितना फास्ट हो सकता है, कितना स्लो होगा? उनके मूड पे, मेरे ऊपर, मैं डिसाइड करूंगा। सिंपल, आपका मूड कैसा है वो आप देख लेंगे। अच्छे तो नहीं लग रहे, शुक्र है हम नहीं खेल रहे। बट हर एक इनिंग में 10 ओवर होंगे, जिसमें से एक पावर ओवर होगा। पावर ओवर बैटिंग टीम लेगी, ओवर शुरू होने से पहले उनको बताना है कि ये ओवर पावर ओवर होगा, उसमें वो जितने रन बनाएंगे वो डबल हो जाएंगे। तो अगर 10 रन बनाए 20, 20 रन बनाए 40, दो का टेबल तो सबको आता ही है, लेकिन अगर आपकी विकेट गिर गई तो -5 रन हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल बैटिंग टीम ने 15 रन बनाए, 15 × 2 = 30, और विकेट गिर गई तो -5 = 25 रन मिलेंगे। इस पावर ओवर में एक और चीज स्पेशल है, ओनली फॉर दिस पावर ओवर, विच इज 1 टिप 1 हैंड आउट। अरे क्या बात है,
अच्छा विद इन द पावर ओवर ओनली इन द पावर ओवर इंटरेस्टिंग हमने कली क्रिकेट बना दिया है थैंक्स टू गेम मास्टर जेडी ओके और भी आपने क्या क्या एडिशंस किए इसमें यार सिंपल चीज रन आउट तो है तो अगर मेरे को कंफ्यूजन होगा अगर रन आउट है कि नहीं है तो ऑलवेज हमारे कैमरा है मैं ये वाला सिग्नल दूंगा ओके कैमरा मुझे बता देगा आउट है कि नहीं है दूसरा एक और मैंने अच्छी सी चीज इंट्रोड्यूस की है मैंने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया होती है DRS देखो अच्छी चीज तो जनता बताएगी आप बस बोलो आपने इंट्रोड्यूस किया है नहीं नहीं अच्छी है देखो DRS है DRS कैसे अच्छी चीज क्यों मैं बताता हूँ कोई भी बोल्ड होएगा कैच आउट होएगा या कैसे भी लीगली जो आउट होता है ना वैसा होएगा ना वो एक और चांस ले सकता है अच्छा मतलब आपके डिसीजन को ओवर रूल कर सकता हो हाँ कैसे एक अमेजिंग सी गेम खेल के कौन सी आपको गेम पसंद है बिल्कुल रॉक पेपर सीजर आता है हाँ आसान है यस आपको लगता है सबको आएगा यस वो ही खिला देते कौन किसके साथ खिलेगा बेस्ट ऑफ थ्री रॉक पेपर सीजर से मेरे साथ खेलना पड़ेगा अब अपॉर्चुनिटी मेरे से चाहिए तो मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा राइट आपके डिसीजन को ओवर रूल करना यस सो अगर मेरे को उसने हरा दिया बेस्ट ऑफ थ्री रॉक पेपर सीजर में बैटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर वो हार गया तो वापस डग आउट तो बेचारा दो बारी आउट होगा एक बारी बोल्ड भी और एक बारी अपने अंपायर से तो मतलब जेडी यहाँ पर आपने रूल्स मोर ऑर लेस समझा दिए हैं लेकिन एक कंफ्यूजन है क्योंकि यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग ऑल द डिसीजंस विल बी पास्ड यू तो ये जब गेम्स खत्म होंगे तो कौन सी टैक्सी में कौन जाएगा वो भी आप डिसाइड कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा अच्छा ठीक है और गाइज अंपायर का जो भी डिसीजन है वो फाइनल होगा हाँ कोई ये बात नहीं बोलेगा कि ये अंधा है क्या ऐसा वो बोल सकते हैं मैं नहीं बोल रहा मैं बता रहा हूँ सबको कि फाइनल है लेकिन एक चीज है जो गेम मास्टर जेडी ने रूल्स नहीं बनाए ये तो हम दोनों ने बनाए अंगद और मैंने क्योंकि बहुत डांट पड़ती थी यार अंगद जब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे किसी का कांच टूट जाता था एंड फिर हो जाता था मतलब डांट पड़ रही है बॉल वापस नहीं मिल रही है तो एक बढ़िया सा वहाँ पर एक कांच है विच इज़ अ वाइट विंडो एंड अगर वो स्ट्राइक होता है बॉल से और अगर बैट्समैन वहाँ पर सीधा डायरेक्ट शॉट मारता है उस कांच पर तो उसको रिवॉर्ड किए जाएंगे कितने रन 10 रन पूरे बियॉन्ड अ सिक्स एंड अगर वो पावर ओवर है उसमें वहां मार दिया तो सीधा 20 रन हो गए एक ही बॉल पे एंड वी हैव ऑल द एक्स्ट्रास वी हैव वाइड लेग बाय बाइज नो बॉल पे अगर आपका एक्स्ट्रा होगा तो अगली बॉल फ्री हिट होगी सो ऑल दोस रूल्स एग्जिस्ट आउट में क्या क्या है आउट में आपके नॉर्मल है कॉट पीछे से कैच हो सकते हो बोल्ड हो सकते हो रन आउट हो सकते हो तो सब LBW नहीं है LBW तो अगर आप कर पाते तो आप वर्ल्ड कप में ही होते शायद बट LBW हटा दिया है लेस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली मजा आना चाहिए यार मेरे को तो लग रहा है जो थोड़े प्रोफेशनल प्लेयर है विकेट कवर करके खेलने वाले ओके एंड व्हाट अबाउट टाइम आउट यस ये मैं बताना नहीं चाह रहा था बट आपने मेंशन कर ही दिया यार अंगद यार इतने फेयर हो आप लाइफ में तो होना ही पड़ता है यार डग आउट से पिच तक आने में आफ्टर योर बैट्समैन इज आउट आप अगर 30 सेकंड के अंदर नहीं आए ना स्टॉप वॉच है ओके 30 सेकंड के अंदर नहीं आया तो सीधा वापस ओके तो 30 सेकंड प्लेयर्स हैव टू बी हियर तो मतलब ज्यादा जो फैंस वगैरह हैं फोकस्ड इंडियन और सौरभ के और यहाँ पे टेक्नो के भी जो बहुत सारे फैंस हैं जोनाथन के तो मतलब 30 सेकंड से ज्यादा हूटिंग नहीं कर पाएंगे उनकी एंट्री पे यस और यार देखो रूल होता है बाकी अगर मेरे से आके प्लीज से अच्छे से बात करें तो अगेन अंपायर डिसीजन फाइनल एक और जो डिसीजन मैंने ले लिया ना अभी जो बॉलिंग करेंगे ना वो 3 मीटर से ही कर सकते हैं उस तरफ से बोलेंगे 3 मीटर से ही कर सकते हैं मैट के अंदर से ओके बड़ा रन अप लेना अलाउड नहीं है और अगर आप जैसे मैंने बोला था चगिंग अलाउड है चगिंग में भी आप एक स्टेप लेके कर सकते हैं भाग के चगिंग नहीं कर सकते ओके तो अच्छा ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे यस मुझे लग रहा है जेडी ने ये उस हिसाब से बनाया जिसपे जेडी छक्के मार सके चलो अगर बैटिंग आए तो जरूर मार देंगे लेकिन इस समय किसके कौन छक्के मारता है किसके छक्के छूट जाते हैं ये पता लगाते हैं लेकिन जेडी बातें हो गई रूल्स की बातें कर ली टॉस कर लेते हैं गेम स्टार्ट करते हैं यार व्हाट्स द डिले यस यहाँ पे टॉस की तरफ बढ़ते हैं टॉस में भी मैंने कुछ स्पेशल किया है दो चीजें मैं टीम्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल 10 ओवर होने वाले हैं ओके प्लेयर है उनके पास टोटल 7 अब यहाँ पे सबको एक एक ओवर डालना जरूरी है 7 के 7 प्लेयर को ठीक है कोई भी 3 जने एक ओवर रिपीट कर सकता ओके ओके ठीक है तो एवरीबॉडी एवरी सबको चांस मिलेगा और टॉस में भी इस बार मैंने कुछ स्पेशल किया ओके तो जेडी टॉस की तरफ अ लॉट ऑफ स्पेशल थिंग्स अंडर हिज बेल्ट राइट नाउ तो बात करते हैं इसके बारे में बाय द टाइम जब तक हम टॉस लेते जाते हैं मैं देख रहा था कि उर्जिता वहां कुछ फैंस के साथ इंटरेक्शन कर रही है तो ओवर टू यू उर्जिता हेलो वेलकम बैक तो आप भी मैं हूं हमारे दोनों टीम्स के स्पेशल फैंस के साथ हेलो
What's your name? My name is Omkar. Omkar, which team are you supporting? Team Venom. Team Venom. Team Venom में आपके favorite player कौन है? Focused Indian. आपने उनको कभी super chat दिया है? नहीं. तो उनका घर कैसे चलेगा? उनके घर में रोटी कैसे आएगी? ये क्या कर रहे हो आप? क्यों आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अभी अभी से करूंगा. अभी से करूंगा? पक्का? yes, पक्का? yes. पक्का करोगे? 100%. 100%. ठीक है, बट फॉर नाउ, फॉर टुडे, आर यू गोइंग टू चीयर फॉर हिम? आर यू गोइंग टू चीयर फॉर हिज टीम? 100%. ठीक है, तो बताइए कि आपने क्या स्लोगन सोचा उनकी टीम के लिए? गिव मी 2 मिनट्स. दो मिनट तो नहीं है सर हमारे पास. कोई भी, कुछ भी, कुछ भी सोचो जल्दी. So, विनम्रता से कह रहे हैं कि हम नहीं जीतने वाले. ये बड़ा पंकज उदास वाला स्लोगन था. आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू मोटिवेट देम इन एनी वे. तो प्लीज आप उनकी टीम का नाम एक बार जोर से बता दीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट. ओके, टीम वेनम. टीम वेनम, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगी. आप मुझे वन बाय वन बताइए, ठीक है? आप मुझे सुपर चैट दे सकते हैं 5 रुपए, कोई ब्राइब का कोई इशू नहीं है. ओके, रेडी? वेनम ने मारा जोर का डंग, टेक्नो बनाएगा कैसे रन? वेनम ने बनाया जोर से डंग, टेक्नो बनाएगा कैसे रन? वेरी गुड. ओके, मैं अभी फर्स्ट लाइन बोलूंगी, आपको सेकंड लाइन बोलना है. आर यू रेडी? ठीक है. वेनम ने मारा जोर से डंग, टेक्नो बनाएगा कैसे रन? वेनम ने मारा जोर से डंग, टेक्नो बनाएगा कैसे रन? वेनम ने मारा जोर से डंग, टेक्नो बनाएगा कैसे रन? ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच. नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट सेट ऑफ ऑडियंसेस. कम हियर, कम हियर. यस यस, हेलो हेलो. वी हैव एन इंटरेस्टिंग सेट ऑफ ऑडियंस ओवर हियर. इट लुक्स लाइक आई ऑलरेडी नो हु विच टीम यू आर सपोर्टिंग. आई एम किडिंग, आई डोंट नो एनीथिंग. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू सर, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? जो जीत जाएगी वो मेरी टीम होगी. सर किसी एक टीम का नाम बताइए. यहाँ पे कॉफी विद करण में नहीं आए हम डिप्लोमेसी खेलने के लिए. एक टीम का नाम बताइए. टीम टेक्नो, क्योंकि लॉल्स ने मेरे को सुपर चैट किया. लॉल्स ने आपको सुपर चैट किया, ठीक है, वेरी नाइस. सो टीम टेक्नो यू आर सपोर्टिंग. और सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली टीम वेनम. ऑब्वियसली टीम वेनम, बड़े आप साहब के फेवरेट हो, कोई बात नहीं. तो सर आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट टीम जो है टीम टेक्नो, वो कितने रन बनाएगी आज? जीतने लायक बना देगी. 100+. 100+, क्या लगता है सब लोग मिलकर सेंचुरी बनाएंगे? उम्मीद वही है. सौरभ देख रहा है मेरे को ऐसे. वो उंगली नहीं दिखा रहे आप ऐसे डर के मत रहिए उनसे. कितने रन? सो 100 इज योर नंबर? अगर वो जीतेंगे, अगर सच में 100 रन के आसपास बनाए, तो फिर आप उनको क्या दोगे? कितना सुपर चैट दोगे? आफ्टर पार्टी होगी. आफ्टर पार्टी होगी. ओके देन, वेरी नाइस. इनको लगता है ये टीम मेंबर से मिल पाएंगे, दैट इज ग्रेट. सर आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट टीम जो टीम है कितना कितना रन बनाए? पहले बैटिंग करेंगे तो 150+ फॉर श्योर. पहले बैटिंग करेंगे तो 150+ फॉर श्योर. फॉर श्योर. ओके देन. और हम जब जीतेंगे तो हमारी आफ्टर पार्टी में हम इनको इनवाइट करेंगे. वाओ वाओ, ये जो है सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान, इनका हो रहा है अभी. देखते हैं कौन जीतता है. सो कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, कौन सी टीम है और उनको कितने रन्स मिलेंगे? ऑब्वियसली टीम वेनम. फर्स्ट बैटिंग 150+ एंड हम ही जीतने वाले. टीम वेनम फॉर 150 एंड टीम टेक्नो फॉर 100+. लेट्स सी आफ्टर आवर इनिंग्स की किसको कितना मिलता है. ओवर टू यू नाउ रोहित एंड अंगद. ऑल राइट, थैंक यू सो मच उर्जिता. एंड इस समय हमारे दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. ये सब क्यों किया जा रहा है, इतना तामझाम क्यों, इतना मतलब हम लोग दूर से जेडी को भी ले आए, जेडी को हमने ऑन फील्ड अंपायर भी बनाया, ऑन फील्ड रिपोर्टर भी बनाया, ये सब क्यों कर रहे हैं हम इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए? साथ में दो छोटी ट्रॉफी भी हैं. तो टेक्नो गेमर्स कहीं ना कहीं चाहेंगे कि 3 में से एटलीस्ट 2 ट्रॉफीज तो वो अपने नाम कर लें. हाँ, सबसे पहले तो होगा बड़ी वाली ट्रॉफी मिल जाए. हाँ, तो वो तो चाहेंगे. तो ध्यान दिया जाए, इंडियन टीम इस बार वर्ल्ड कप में दोनों छोटी वाली जीत गई थी, बट बड़ी वाली कोई और ले गया. वो बात तो है. लेकिन इस समय अगर टीम प्रैक्टिस की बात करें तो राइट एट द बिगनिंग मैं ये नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर वेनम की टीम बहुत लपक के प्रैक्टिस कर रही थी. आप लोग बड़े चिल बैठे हुए थे वहाँ पर, आराम से अपने लंच वंच करके बैठे हुए थे. तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, क्या था ये? हमारी टीम थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो पहली प्रैक्टिस करके चिल कर रही थी. इनकी टीम ने चिल करके प्रैक्टिस करा, तो दोनों ने ही करा वैसे प्रैक्टिस. तो इस बार जो टीम का माहौल है, जो पिछली बार का माहौल था, वो आप डगआउट में कुछ डिफरेंस देख रहे हो आप? हाँ, अभी इस बार टीम बैलेंस है सबसे मेन चीज़ तो, और वही है अब फुल कॉन्फिडेंस है इस बार जीतने का. ऑलराइट वेनम, आपसे पूछता हूँ मैं, टेक्नो गेमर्स का तुमने कॉन्फिडेंस देख लिया, आपको लग रहा है कि पिछले साल भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, इस साल कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रैटेजी भी है या सिर्फ कॉन्फिडेंस ही है? कॉन्फिडेंस हो, स्ट्रैटेजी हो, जो न होने दो, रिजल्ट सेम ही होने वाला है. क्या बात है. और मैं देख रहा हूँ कि आपकी गेम टीम पूरी रिलैक्स्ड है. अभी विली गेमिंग बैठ के आपको सिखा रहे थे कट ऐसे खेलना है. तो इजी दी अनऑफिशियल बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच ऑफ द टीम?
गाइडेंस उन्होंने दी है पूरी टीम को कि क्योंकि वो ये पिच पे खेले हुए हैं बहुत बार, तो उन्होंने बताया था कि यू नो यहाँ यहाँ पे हम फील्ड प्लेसमेंट रख सकते हैं और ऐसे ऐसे शॉट्स खेल सकते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अच्छी है एंड टीम कॉन्फिडेंट है कि हम उस पर काफ़ी अच्छा अमल करके ये मैच जीतेंगे। वेल ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, आई मीन एकदम सरफेस पे नजर भी नहीं आ रहा है कि मैच खेलने वाले हैं, अभी लग रहा है बस सोने ही जा रहे हैं, एकदम नो नॉनसेंस लुक है। यस यस यस। और जब टीम सिलेक्शन था अलग माहौल था, आई थिंक ही इज गोइंग टू दैट जोन। वेनम इस समय थोड़ा सा प्रेशर होगा वेनम को क्योंकि ही इज द डिफेंडिंग चैंपियन। आई थिंक वेनम का स्ट्रैटेजी एक ही था कि विली को ले लेना, बाकी विली देख लेना। लेकिन इस समय गेम मास्टर जीडी है यहाँ पर, तो गेम मास्टर जीडी मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ले आए आप हमें लेकिन ट्रॉफी भी दिखा दी, टॉस का क्या सीन है? आपको ये ब्यूटीफुल दो बॉल्स दिख रही है यहाँ पे? हाँ, ये आप अपने खिलौने क्यों ले आए हैं? तो एक काम कीजिए वेनम, टेक्नो यहाँ पीछे आ जाइए, आप मेरे साथ आगे आ जाइए। टेक्नो, सिंस सैडली आप लूजिंग कैप्टन है पिछले साल के, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता चाहता हूँ, दोनों में से एक बॉल आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो रेड पिल या ब्लू पिल? ये पिन्याटास हैं जिसको वो मैं बता, अरे सब पहले पिक कर ले तो फिर सरप्राइज दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सरप्राइज बाद में? हाँ पहले okay. टेक्नो पिक कर लो एक, आप मेरे को बता दो कौन सा वाला, फिर बताऊंगा उसके अंदर क्या है। यहाँ पे काफी साइंस लगाते हुए टेक्नो वाला, ठीक है इसके पीछे आ जाइए आप, वेनम उसके पीछे आ जाइए, उस तरफ से, इस तरफ से मारना आपको, हाँ यहाँ से उस तरफ से। अभी इन दोनों में से किसी एक बॉल के अंदर एक छोटी सी बॉल है, वाओ, जो भी वो बॉल हासिल करता है वो टॉस जीत जाएगा। बॉल के अंदर बॉल, इंसेप्शन ऑफ बॉल। इजी है? हाँ इजी है, इजी है, इजी है। बेसिकली आप दोनों को अपने अंदर का नॉर्थ इंडिया बाहर लेकर आना है, ठीक है? टेक्नो उस तरफ से, उस तरफ से, यस ठीक है। इन 5 4 3 2 1 टेक्नो ने एकदम जोर से ही मारना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है कि टेक्नो का स्ट्रैटेजी वो है कि घुमाकर वेनम, वेनम ने गिरा दी बॉल भाई, वेनम बॉल को आराम से खाली करते हुए, वेनम ने पूरे अपनी हाइट का फायदा उठाया, कहीं और नहीं मिला है उनको, टेक्नो की बैटिंग प्रैक्टिस भी होते हुए। टेक्नो ध्यान से यार, शोल्डर इंजरी ना हो जाए। आई थिंक आप वेनम को इसके लिए अपनी साइड ले सकते हो। ओके, तो यहां पर बॉल की खोज है, वेनम एकदम, ये जो बाकी बचा हुआ है इससे हम ई कॉमर्स की पैकेजिंग भी कर सकते हैं। ढूंढे उधर ही मिलेगी। गेम मास्टर जी आपको चाहिए तो आप टेक्नो की बॉल के अंदर भी जाके बॉल निकाल लो यार। गेम मास्टर जी, ये अलग गेम तो नहीं, आपने दोनों में तो नहीं डाले बॉल्स, मतलब इनकी अंदर ही मिलेगा। ओके, बॉल ही नहीं मिल रही, इट्स ओके गाइस, आई होप सिर्फ यहां पर ये हाल हो रहा हो। जेडी आपने बॉल डाली थी? बिल्कुल डाली थी। अब दोनों के कन्फेटीज मिक्स हो चुके हैं, अब अब कुछ कहां किसका निकलता है ये नहीं पता। ढूंढे ढूंढे, पूरा सेंटेंस बोलो यार रोहित, कहां किसका क्या निकलता है। मैं बोलूंगा यार, डगआउट में से भी लोग आके अपने कैप्टन की मदद करना चाहते हैं, एक एक बंदा आ जाए भाई, दोनों टीमें हिलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम आराम कर रहे हैं। जेडी को भी लग रहा है कि मैं भी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं वहां नहीं, यहाँ पे देखिए। लेकिन गेम मास्टर जेडी का अलग ही गेम चल रहा है यहाँ पर। यार मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ दोनों को ढूंढने के लिए। यार जेडी इतना अच्छा काम भी नहीं करना था यार। 5 क्या होगा 5 सेकंड बाद? 3 2 1 दोनों आ जाओ। नहीं खिलाना तो ऐसे ही मना कर देना। है उधर ही कहीं है, आपको नहीं मिल रहा मैं। अच्छा क्या आपने स्पॉट कर लिया था बॉल को? हाँ। ऑल राइट, दिख रही है। गेम मास्टर के साथ गेम थोड़ी होगा। Yeah, I think warranty card मिला आपको। Okay, तो यहाँ पर मैच से पहले ही काफी कन्फेटी उड़ चुकी। तो क्या जेडी सर, क्या सोल्यूशन है इसका? काम करते हैं। नहीं मिली, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ टेक्नो, आ जाओ। कॉइन ये करना है, ये देख। ये स्ट्रैटेजी थी थकाने के लिए। समझ गया। क्या समझे? ए, अंपायर ने पैसे खाए, ये समझ गया। जेडी आप पे आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। कॉइन टॉस करना है कि नहीं करना? पक्का करना है? अभी तो यही करना। नहीं करना नहीं है तो फिर वेनम को जिता देता हूँ। जो आरोप लगा रहे सच हो जाएगा। करना है। कर लेते, कौन कॉल करेगा? टेक्नो से करवाते हैं, उनकी चॉइस थी।
करेंगे कॉल? ठीक है। अरे नहीं, हेड्स या टेल्स बता दो यार, अब मजा आ जाए, कॉइन भी घूम जाए। टेल्स वाज द कॉल एंड इट इज टेल्स। इट इज टेल्स, यानी कि टेक्नो गेमर्स आप टॉस जीत चुके हैं। क्या डिसाइड किया आपने? बैटिंग। बैटिंग तो लास्ट टाइम वेनम ने पहले बैटिंग की थी, तो इस बार क्या आप वही रिजल्ट चाहते हैं जो लास्ट टाइम वेनम का था, इसलिए बैटिंग चुनी है या और कोई रीजन है? मैं से मैक्सिमम गेमर है तो उतना आदत नहीं है, तो ऐसा मेरे को पिछली बार नोटिस हुआ था कि पिछले बार मैं धूप में ज़्यादा फील्डिंग कर ली थी, तो बैटिंग के टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी डाउन था, तो इस बार इसलिए पहले बैटिंग। लेकिन अभी तो ऑलरेडी धूप थोड़ी सी ढल चुकी है, तो कोई बात नहीं, तो इस बार फुल तोड़ने के मूड में आया। ये 2 बजे वाला डिसीजन 4:30 बजे लिया जा रहा है। बट मैंने देखा टॉस हार के आप बहुत खुश थे और आप चला रहे थे, अरे यही तो चाहिए था हमें, तो क्या स्ट्रेटजी? यही स्ट्रेटजी थी, इनको लगा कि अभी सन है तो यू नो बैटिंग करने में डिफिकल्टी होगी, बट सन डाउन जा रहा है एंड हम लोग फील्डिंग आराम से कर सकते हैं, हम ज़्यादा भागम दौड़ी होगी नहीं बिकॉज इनके प्लेयर्स और इनके बैट्समैन ज़्यादा मार नहीं पाएंगे वैसे भी, बिकॉज हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमें यही चाहिए था कि ये चेस करें, हम ये फर्स्ट बैट करें, हम आराम से चेस करें, तो 100 के अंडर या 110 के अंडर ऑल आउट कर देंगे। 110 के अंदर ऑल आउट, बात तो ऐसे करें, पूरा ही इन्होंने लिखा हुआ है कि 4.3 में हम चेस कर जाएंगे, नेट रन रेट भी पॉजिटिव लेके जाएंगे। यूजुअली हम लोग पूछते हैं कि टीम का बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, आपकी टीम का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? स्क्रिप्ट तो हम सब ने साथ में मिलके लिखी है। अच्छा, बाकी डर उनके चेहरे पे है, तो आप उनसे पूछो। डर तुम्हारे चेहरे पर है? एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं, लोगों को स्क्रिप्टेड नहीं है। हां हां, लोग सोचे अरे सब कुछ ही फिक्स था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अभी स्क्रिप्ट में चेंजेस आएंगे ना थोड़े से, वो हम लोग करेंगे, हमारी टीम उधर बैठी है, सारी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी अभी। चलो ये तो दोनों लगे रहेंगे एक दूसरे के साथ, इनको भेजते हैं अपने अपने डगआउट पे, शुरू करो भाई बैटिंग। एंड जब तक टीम्स तैयार होती हैं, ओवर टू उर्जिता जो इस समय कुछ इंटरेस्टिंग कॉर्नर में है कुछ इंटरेस्टिंग लोगों के साथ। बैक टू यू उर्जिता। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। एंड अभी मैं हूँ उस टीम के साथ जिन्होंने टॉस तो जीत लिया है, मैच का पता नहीं, तो हेलो, लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट प्लेयर सौरभ। कैसा लग रहा है आपको आपके कैप्टन के डिसीजन से? हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि बैटिंग करें बॉलिंग करें, क्योंकि सन वॉजेंट इन आर फेवर, बट अभी कैसे सन डाउन हो गया है, तो अभी हम लोग ने ले ली बैटिंग, तो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। तर भाव काय वाटतं, फोडणार का नाही? अरे तोडणार आणि फोडणार पण आता बघा। क्या बात है, क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस। मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आपकी टीम कितने रन्स बनाएंगे? मेरे को लगता है इतने रन्स बनाएगी कि सामने वाले बोलोगे इतना तो होने नहीं वाला है, चलो छोड़ के चले जाते हैं, हम इनको ट्रॉफी दे देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपको सच में लग रहा है सामने वाली टीम ये पूरा एक डायलॉग चीयर करेगी आपके टाइम पे? हाँ, मेरे को लगता है इस बार हमारी टीम बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड मैं प्रैक्टिस में भी देख रही थी, हमारी टीम में सब लोग ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंट है हमारी टीम टेक्नो। एंड नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। यस यस, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वेरी क्रूशियल टू द गेम एंड ऑल्सो टू योर करियर, आई होप यू आर रेडी फॉर इट। सो डू यू थिंक दिस मैच, ये मैच का स्कोर आप जितना भी बनाए या आपकी टीम कितना भी बनाए, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर गेमिंग करियर? Obviously. It is going to affect your gaming career. Like, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जो फैंस है वो बोलेंगे कि अरे यार तू चौका तो नहीं मार पाया, GTA क्या खेलेगा? क्या पता मैं IPL खेल लूं? क्या बात है, ये यही तो है, ये confidence या delusion है हमें पता नहीं, we'll find out only after the match. Over to you, Rohitan Angad. All right, thank you so much, Urjita. And यहाँ पर जब तक हमारी teams तैयार होती हैं to take on the field, यहाँ पर हमारे लोखंडवाला लायंस के 3 साल के कोच हमारे साथ हैं, द वन एंड ओनली अंगद। तो गली क्रिकेट के आप बहुत बड़े महारथी हैं, तो ये बताइए कि गली क्रिकेट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अंगद भाई, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ वेट करो, एक ओवर आएगा जिसपे खूब सारे एक्स्ट्राज आने वाले हैं। ओके, 25-25 वाइड डल जाती है, पता नहीं चलता भाई साहब। और उसमें मजेदार बात ये होती है रोहित, कि जो बॉलर होता है वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है नहीं मैं ओवर डालूंगा। उसको बाकी लोग कह भी रहते हैं भाई इंजर्ड हो जा, बट वो पूरा ओवर डालता है, तो बस वेट करो उस ओवर के लिए, आपका सारा रन रेट कवर अप हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पर इस रेड बुल शोडाउन में ऐड किया है, वो ये है कि गली क्रिकेट में अंपायर नहीं होता, और इतना खड़ूस अंपायर तो बिल्कुल नहीं होता जितना जेडी है। तो ऐसे में जेडी को अपने साइड में खींचने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए, ताकि थोड़ा सा वो प्रेजुडिस ले आए, क्या कर सकते हैं टीम्स? यार वो अंपायर को ना थोड़े थोड़े कॉम्प्लीमेंट देने पड़ते हैं। अच्छा, कि सर आप ना एकदम आ नहीं रहे हो दूसरे की बात पे, यू नो वेल डन सर, वेल डन। अच्छा, हाँ, ऐसे फालतू की तारीफ करते रहो ना, तो अंपायर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि ये लोग तो मेरी साइड ही हैं।
दूसरा एक गली क्रिकेट का एक और चीज है रोहित, जितनी भी फुल टॉस आ जाए एकदम, मतलब आपके एंकल पे फुल टॉस आ रही हो तो भी नो बॉल की अपील करनी है। अच्छा, हर बारी नो बॉल की अपील करनी है, अंपायर पे प्रेशर भी डालो ना थोड़ा बहुत, कभी ना कभी तो वो दे ही देगा कि चल यार हो सकता है ये वाली वेस्ट के ऊपर चली गई हो। या ये क्रिकेट के साथ साथ अंपायर का मैनिपुलेशन का भी गेम है। बिल्कुल बिल्कुल, और दैट प्रोबेबली इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पर सामने खड़े हैं गेम मास्टर जेडी। लेकिन व्हाट डू यू थिंक एज अ रोहित, आपका इंटेंशन जब आप यहाँ बैटिंग करोगे, आपके हिसाब से अगर आपको चौका छक्का मारना होता आप कौन सी साइड की बाउंड्री पे फोकस करते हैं? देखो यार, सिंपल मैथ्स अगर मैं करूँ, नंबर गेम है, सामने वाले बाउंड्रीज एक्चुअली थोड़े से लंबे लग रहे हैं। यस, ये वाली जो बाउंड्री है ना जहां पर स्क्वायर बाउंड्री, स्क्वायर बाउंड्री कवर बाउंड्री है, वो थोड़ी सी छोटी है। सो आई विल ट्राई टू गो फॉर दैट। लेकिन जितना हमने प्रैक्टिस में देखा, सब लोग स्लॉग हिटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी है कि यार मारेंगे लंबे लंबे छक्के तो फील होता क्या है जब आप वो सीधा वाला छक्का मारते हो ना, जैसा धोनी सर ने भी मारा था, कैमरा के लिए बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर आए सब हैं बट एंगेजमेंट कोई भूल नहीं रहा है। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे भूलना नहीं चाहिए, दे आर अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड गेमर्स। तो नंबर गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंगेजमेंट गेम एज अंगद मेंशनड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ गली क्रिकेटर आर यू? आर यू अ बॉलर, यू आर अ बैटर, और यू आर जस्ट अ प्योर फील्डर? आई एम अ ओनर ऑफ द बैट, सो सारे रूल्स मेरे होते हैं कि देखो रूल्स मेरे हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स सेट कर दिए गए हैं जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द वन एंड ओनली गेम मास्टर जेडी वो मॉनिटर कर रहे हैं इस समय कि माहौल इस समय कैसा है, आर द टीम्स फॉलोइंग द रूल्स, क्योंकि इनकी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता। भले दोनों टीम्स लेग साइड में, लेकिन वो ऑफ साइड पे भी नजर रख रहे हैं वो सब ध्यान दे रहे हैं कि खाना किधर से किधर जा रहा है, कौन सा ड्रिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, और मेरे पास क्यों कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, उनका थोड़ा सा आज वाटर लॉस होने वाला है, लेकिन चले जाएगा, लाइक ही विल मैनेज बिकॉज ही इज गेम मास्टर जेडी आफ्टर ऑल। दिखते सकते हैं लेकिन दिल बड़ा अमेजिंग है। हमें फील्डिंग टीम आते हुए थोड़ी ग्राउंड पे नजर आई है, और मैं जैसे पहले भी नोटिस कर रहा था रोहित, ऐसे वो एनर्जेटिक नहीं है, वो ऐसे पूरी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं कि सबके सब सिर्फ चौका और छक्का मारने पे ही यूज करेंगे। बिल्कुल, एंड यहाँ पर जिस तरह से विली चल रहे हैं, जोनाथन भी आ रहे हैं, दे आर यू नो गिविंग दैट कॉन्फिडेंस, लुक एट दैट वॉक, वो एक उनकी चाल में आपको पता चल रहा है कि दे आर द चैंपियंस, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चल भी रहा होगा कि यार ये चैंपियंस बुला रहे हैं, छह बार बुला चुके हैं, एक मिनट में सात बार बोल देते हैं कि चैंपियन हो चैंपियन हो, तो ये प्रेशर भी हो सकता है। बट आप दिल में अंदर अंदर एकदम डीप डाउन, आई नो एज कमेंटेटर वी हैव टू बी फेयर एंड वी हैव टू कॉल द गेम एज इट इज, हम किसी एक साइड की तरफ बायस नहीं कर सकते, बट एकदम बॉटम ऑफ योर हार्ट आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट जो टीम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, टीम टेक्नो, क्योंकि फॉर सम रीजन मुझे ना कमबैक्स देखने में बड़ी फील आती है। मुझे अच्छा लगता है जब एक हारी हुई टीम बढ़िया कमबैक मारती है और जीत जाती है, जैसे अफगानिस्तान को मैं सपोर्ट कर रहा था। यस यस, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। बट आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर टेक्नो टीम दोबारा हार जाती है तो अगले साल फिर होगा रेड बुल शोडाउन, फिर हमें बुलाया जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर की इनकम के बारे में भी सोचो। हाँ यार, ये तुमसे सीखना पड़ेगा यार रंगत, तो यही होता है ना जब आप सीनियर्स से सीखते रहते हो इंडस्ट्री में। सो आज मैंने ये सीखा है कि प्रेजेंट का मत देखो, फ्यूचर का देखो, फ्यूचर बिजनेस का भी सोचा करो। लेकिन इस समय फ्यूचर का सोच रहे हैं हमारी दोनों टीम्स। टीम हडल में कुछ कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं, यहाँ पर दोनों टीम्स तैयार हैं। अब इफ यू आर रेडी तो एक बार वो लाइक तो बटन टैप कर ही दो, एक बार टैप कर दो, एंड सपोर्ट योर फेवरेट प्लेयर विच यू आर ऑलरेडी डूइंग इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ बाय स्पैमिंग देयर नेम। इस समय टेक्नो एंड सौरभ आर वॉकिंग एंड टेकिंग देयर पोजीशंस। इस समय टीम टेक्नो बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने अपना फिस्ट बम्प। ये गली क्रिकेट का एक और चीज बहुत होता था कि जैसे भी हम ओवर कंप्लीट करते थे और साइड चेंज करना होता था, हमेशा बैट टैप करके जाते थे। पता नहीं कहां से सीखा हमने, बट सबको आदत है गली क्रिकेट में एक चीज करने की। और कंक्रीट पिच पे भी हम लोग मॉइस्चर देखते थे कि ऑकवर्ड बाउंस कहां से आ रहा है। और यहां पर भी टेक्नो इज गेटिंग रेडी, एंड ये एक टीम चांट देखने को मिला व्हाइल टीम वेनम इज एंटरिंग। अ कॉन्फिडेंट लुकिंग यूनिट इज एंटरिंग द फील्ड राइट नाउ, एंड कहीं ना कहीं आई फील टेक्नो की टीम को बस इंजॉय करना है। इफ दे हैव फन, आई थिंक वो वाइब है उनकी टीम में, एंड दे माइट जस्ट विन। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बैंटर भी चालू हो गया है, विली अपना हाथ घुमाते हुए, तो क्लियरली पहला ओवर विली डालेंगे, एंड थोड़ा वो टेक्नो को बोलते हुए, बेटा ध्यान रखियो ये मेरा होम ग्राउंड है, इसी पिच पे खेलता आया हूँ मैं। एंड विली से जब मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग द टीम सेलेक्शन, तो उन्होंने बोला था कि सौरभ की बॉलिंग, वैसे अभी तो रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन सौरभ की बॉलिंग से वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं इस समय विली। ऑलराइट, वी आर ऑल सेट फॉर द फर्स्ट ओवर।
Techno will be taking strike. Willie will be bowling for Team Venom. अब हर एक बॉलर को कम से कम हर एक प्लेयर को एक एक ओवर डालना है. हाँ जी. विली का ये जो ओवर होगा इसके रिजल्ट से पता चलेगा कि इनको दूसरा ओवर मिलता है कि नहीं. चालू करूँ ना. सो इन 5-4 तेरी फील्ड सेट है ना. क्या जेडी भाई काउंटिंग भूल गए क्या? ठीक है चलो वापस. रेडी इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and the match is on. Ek solid defense from the captain himself. I think JD ne already ishara kar liya ki thoda dheere dal le yaar. Willie abhi shayad apne aur unko 3 meter mark ka bhi batate hue ki aapko run up wahi se chalu karna hai jahan abhi Willie khade hain agar usse piche. विली को बेसिकली याद दिलाया जा रहा है कि भाई ये वो वाला लेवल क्रिकेट नहीं है जो तुम खेलते आए हो. ओए 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 काफी बढ़िया बॉलिंग. कीपर से भी मिस होते हुए पहला रन ऑन बोर्ड जो कि एक्स्ट्रा से आया. मैंने आपको कहा था ना एक्स्ट्रास का ध्यान देना है. एंड फोकस्ड इंडियन जो इस समय विकेट कीपर है काफी फोकस में है क्योंकि वो भागे फील्डर से पहले पकड़ लिया भले ही फील्डर के बगल में थी बॉल. थोड़ा हल्का ऑफ साइड पे थोड़े कम फील्डर्स हैं जहां बैटर्स टारगेट कर सकते हैं. और ये नो बॉल मैच की पहली नो बॉल और 22 का चौका. नो बॉल वेस्ट के ऊपर. सो 5 रन्स हैव बीन एडेड इन दैट सिंगल डिलीवरी. 6 रन आए रोहित 6 के 6 एक्स्ट्रा. तो आपकी जो प्रेडिक्शन थी कि एक्स्ट्रास का थोड़ा सा ध्यान रखना है वो इस समय विली को ध्यान रखना पड़ेगा. यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दोस एक्स्ट्रास. वेस्ट के ऊपर थी नो बॉल थी तो फ्री हिट होती है. देखा विली अभी अंपायर से नेगोशिएट करते हुए कि मेरी गलती है कि उनकी हाइट छोटी है ऊपर से चली गई. फ्री हिट है. डगआउट से जोश आता हुआ टेक्नो टीम के लिए. अंपायर ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया यानी कि इट्स अ फेयर डिलीवरी. आई फील एज लगा था जरा सी आवाज. फ्री हिट थी तो एनीवे आउट होते नहीं. यार रोहित थोड़ा हम भी काफी पास नहीं है एक्शन के. मुझे तो लग रहा है बॉल इधर आ गई मैं दूंगा ही नहीं वापस. और यहाँ पे काफी क्लीन बॉलिंग हो रही है. मतलब जो भी लीगल डिलीवरीज हो रही हैं विली की तरफ से दे आर प्रीटी गुड बॉल्स एक्चुअली. चार बॉल हो चुकी है पहले ओवर की और ये फिर से लो फुल टॉस. एक करारा शॉट वहां पर देखने को मिला फ्रॉम सौरभ. फर्स्ट रन फ्रॉम द बैट. कांग्रेचुलेशंस टीम टेक्नो. वाज दैट अ स्लोअर वन? यस इट वाज. ऑलराइट विली इज मिक्सिंग इट अप देयर एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 7 रन शुरुआत में. अब जिस तरह से उन्होंने बोला था कि 10 में हम लोग 110 के अंदर उनको रोक देंगे ऐसी रन रेट में गया तो हो सकता है. बट आपने देखा विली ने सब कुछ डाला है. फास्ट बॉल डाली स्लो डाली लेग स्पिन डाली ऑफ स्पिन डाली. गेमर भी है क्रिकेटर भी है वो मल्टीटास्कर हैं. नाउ द कैप्टन इज हियर एंड आई थिंक वो चक बॉलिंग की तरफ जाने वाले हैं. ऑलराइट वाइड का इशारा गेम मास्टर जेडी की तरफ से. अभी यहां पर जो हाइट डिफरेंस है उस वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है बॉलर के लिए. और भाई वेनम भाई पूरा कंधे की जान लगा दिया उन्होंने. वेनम भाई बोल के गए थे कि कल जो बाइसेप्स का वर्कआउट किया था वो इसी के लिए किया था. काफी स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट विच इज गुड एंड काफी अच्छी बॉलिंग क्योंकि टाइट लाइन और टाइट लेंथ दे आर जस्ट नॉट गिविंग देम एनी रूम टू मेक दैट सिंगल टू मेक दैट रन. और मुझे लग ही रहा था कि प्रेशर रिलीज करने का मोमेंट आ रहा है या विकेट मिलेगा. ऑलराइट द फर्स्ट 6 ऑफ द इनिंग्स टीम टेक्नो द कैप्टन हिमसेल्फ हिटिंग अ 6 ओवर द बॉलर्स हेड. कैप्टन को ही मारते हुए टेकिंग द चार्ज. और एक और वाइड का इशारा. ये काफी ऊपर सिर से एंड बाउंड्री भी मिल चुकी है तो टोटल ऑफ 5 रन्स अगेन. द एक्स्ट्रास
अगर इनको रोकना है इस समय टेक्नो को तो एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई रोहित ये इतनी वाइड थी कि विकेट कीपर के लिए भी वाइड थी, और मुझे लग रहा है करण की जर्सी बेस्ट है, उसको जब भी बॉलर को फोकस करवाना है वो सिर्फ अपना पीठ दिखा देंगे, पीछे उन्होंने फोकस ही लिखा हुआ है, पूरा फोकस इंडियन लिखा ही नहीं उन्होंने। लेकिन इस समय फोकस इंडियन रियली डूइंग सम गुड कीपिंग। शॉट एंड लेग साइड में एकदम स्क्वायर पुल शॉट मारते हुए एक और छक्का, छोटी बाउंड्री है उसका पूरा फायदा उठाया टेक्नो ने, और ये छक्का इतना दूर गया कि तीसरे ग्राउंड तक बॉल चली गई है, बॉल बॉय भी नहीं हमारे पास वहां तक जाने के लिए। लगता है टेक्नो अपना बदला ले लेंगे इस साल, लगता तो है जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अभी तक एक विकेट नहीं गिरा है विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, दो ओवर के बाद काफी कॉम्पनसेशन करते हुए एक महंगा ओवर 20 रनों का ओवर 27 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स आफ्टर द एंड ऑफ टू ओवर्स। अब हमारे विकेट कीपर ही आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए, he was like, guys, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं विकेट कैसे लेते हैं। रन अप इसके आगे से लेना। दो कमाल के कंटेंट क्रिएटर्स फेसिंग ईच अदर, इट्स गोना बी करण वर्सेस सौरभ नाउ। ये एक मैच विद इन अ मैच है, क्योंकि यहां अगर फोकस इंडियन ने आउट कर दिया तो वो सालों साल सुनाएंगे सौरभ को कि तू रहने दे, आउट तो मैंने किया था। एक क्विक सिंगल लेते हुए यहां पर, तुम्हें लगता है अंगद यहां पर कहीं ना कहीं एक बेट हुआ होगा बिटवीन सौरभ एंड करण की, यार अगर मैंने तुझे आउट किया तो तू मुझे ये करके दिखाएगा या रील में कोलैब करेगा तू? भाई जितना गली क्रिकेट खेला है ना, जो आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है ना, उससे उस पे एक बॉल पे आउट नहीं होना चाहते। और एक सटीक फील्डिंग यहां पर विली की तरफ से, और फोकस इंडियन को होगा चाहे मैं ओवर में 6 छक्के खा लूं बस सौरभ मुझे एक ना मारे, दोनों चीजें होती है। ऑलराइट, काफी अच्छी तरह प्लेस करते हुए कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज कर दिया था टेक्नो ने पिछले ओवर में, एंड नाउ दे कैन लिव विद दोस सिंगल्स। द सन इज डाउन, सो इज गेम मास्टर जेरीज हैट, और एक और बड़ा छक्का। इन अ वे टेक्नो इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ, पनिशिंग ऑल द बैड डिलीवरीज, ऑल द लूज डिलीवरीज, अनदर बिग वन। रोहित इसको ही कमेंटेटर कर्स कहते हैं, दो तीन बॉल अच्छी डली नहीं कि आपने बोलना शुरू कर दिया कि बेहतरीन बॉल एक और वहीं पे छक्का पड़ गया। बट अच्छी बात यह है कि करण ने अभी तक एक भी वाइड या नो बॉल एक्स्ट्रा रन नहीं दिया, क्लीन बॉलिंग चल रही है यहां पर। इसको बोलते हैं बल्ले से बनाने दो रन, यार देंगे नहीं हम। एक और ये हमारी और तरफ, हमारी तरफ, और एक और छक्का, अनदर सिक्स। अगर ये रोहित को लग जाती तो हम 25 रन दे देते। टेक्नो रोहित को टारगेट करो अगली बारी। और यहां पर थोड़ा सा एज देखने को मिला जोनाथन के पास, एक रन आउट का हुआ। क्या सौरभ त्यागेंगे? नहीं, द कैप्टन इज आउट, एंड व्हाट एन अनफॉर्चुनेट वे टू लूज हिज विकेट। रन आउट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे और सब लोग आके सेंड ऑफ करते हुए बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह ही आउट हो गए कि खूब सारे रन बनाए बट इवेंचुअली अपनी विकेट खो बैठे वो। आपको क्या लगता है सौरभ को अपनी विकेट दे देनी चाहिए थी? मतलब जिस तरह से फॉर्म में थे शायद, लेकिन अब सौरभ आई थिंक टेक्नो सोच रहे डीआरएस लेने का, उन्होंने डीआरएस ले लिया। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट कॉल। तो आपको ये बता देते हैं जल्दी से डीआरएस का क्या मतलब है। यहां पर टेक्नो ने चैलेंज किया है इस विकेट को, यानी कि आपको गेम मास्टर जेडी के साथ रॉक पेपर सीजर्स के 3 राउंड खेलेंगे, एंड अगर वो जीतते हैं यानी कि गेम मास्टर जेडी को हराते हैं तो ही रॉक पेपर सीजर्स गेट्स टू बैट अगेन। ठीक है, ये सिर्फ एक इनिंग में एक बारी टीम ले सकती है बैटिंग टीम। रॉक पेपर सीजर 1 point टू मी, 1-0 टू जेडी। रेडी, रॉक पेपर सीजर, 1-1, everything boils down to this। अगर टेक्नो यहां पर जेडी को हराते हैं
तो ही इज नॉट आउट, लेकिन अगर जेडी जीत रहे हैं तो टेक्नो जॉइंस बैक हिज टीम इन द पवेलियन. क्या लगता है, वन ऑल है, कौन जीतेगा? रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर. टेक्नो कि टेक्नो लिव्स अगेन, डीआरएस का पूरा फायदा उठाते हुए. और जॉनेथन बिल्कुल नाराज होते हुए कि ये क्या रॉक पेपर सीजर है यार, डीआरएस हमारे फेवर में आना चाहिए. बट दिस आल्सो मींस, लेकिन दैट इज द लास्ट एंड द ओनली डीआरएस दे वर अलाउड इसका बैटिंग टीम. या जॉनेथन उर्फ कराटे क्रिड इज हियर, आपका डीआरएस खत्म हो चुका. क्या अंदर के मियागी को ये जगाएंगे? बट तीन ओवर के बाद टेक्नो टीम का स्कोर है 42 फॉर नो लॉस. दे विल हैप्पीली हैप्पीली टेक दिस. पिछले साल के एमवीपी, एक लीगल डिलीवरी हो सकती थी अगर जेडी का हाथ इस तरह से नहीं फैलता तो ही इट हैज बीन सिग्नल्ड अ वाइड. काफी लेट कॉल बाय जेडी. बहुत ही बढ़िया ड्राइव एंड इसी के साथ चार रन्स. आई थिंक सौरभ थोड़ी हमारी बात पे खुंदक खा गए कि हमने बोल दिया कि क्या उनको विकेट सैक्रिफाइस करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा बेटा हम भी खेलने ही आए, टेक्नो को थोड़ा सिर्फ छक्के मारते देखने आए. एक खूबसूरत शॉट मारा यहां पर सौरभ ने बैक फुट पे. बिल्कुल और यहां पर एक और लीगल डिलीवरी, अ डॉट बॉल, बट टीम टेक्नो वोंट बी इन अ पोजीशन टू कंप्लेन राइट नाउ क्योंकि कोई कंप्लेंट्स है ही नहीं. और एक और करारा शॉट लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर. इस बारी सौरभ ने बहुत लाउड कॉल पहले ही कर दिया था, चाहे पीछे से ट्रेन जा रही है भाई बट तू मेरे पे ध्यान दे, ट्रेन पे ध्यान मत दे. दोनों ने 11 बॉले खेली हैं और टेक्नो ने 25 रन बनाए हैं. और ये करण ने ड्रॉप कर दिया और इसके साथ उस घाव पे और नमक छेड़ते हुए कि वो बॉल चौके के लिए चली गई. सिर्फ नमक नहीं, नमक के साथ थोड़ा नींबू, थोड़ा सा गरम मिर्ची, थोड़ी शिकंजी पाउडर. अब करण भाई कहते हुए कि पेमेंट यूपीआई कर देना मेरे को. और ये चौका, कमेंटेटर्स की तरफ हमारी तरफ ही बॉल आता हुआ. सो नाउ सौरभ इज आल्सो चेंजिंग हिज गियर्स. जो दोनों शेर हैं वो जाग गए हैं. अब उनमें कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा बड़ा शेर निकलेगा. यहाँ पे क्रॉन्टन को थोड़े से ताने मिलते हुए कि भाई क्या कर रहा है. शॉट, ये तो बहुत ही बड़ा छक्का मारा है. एंड करारा शॉट सौरभ के बल्ले से, बल्ले बल्ले हो गई है इस समय टेक्नो की टीम के लिए. भाई ये इतना दूर शॉट गया कि सीधा टैक्सी के अंदर चला गया और वो टैक्सी जा रही थी कुलाबा, निकल गई भाई, बॉल चली गई कुलाबा, वापस नहीं आ रही अब. चार ओवरों के बाद 61 फॉर नो लॉस, टीम टेक्नो इन अ सॉलिड पोजिशन राइट नाउ. एक तरह का रिवेंज मैच चल रहा है. पिछले साल टेक्नो को एक बहुत बुरी हार मिली थी लेकिन इस समय जिस तरह से टेक्नो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी टीम बैटिंग कर रही है, सौरभ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फिनोमिनल राइट नाउ. रेडी शॉट, हर बॉल पे करारा सिक्स ही आ रहा है उनको. आप ये देख रहे हैं दो ओवर हो गए, सिंगल ही नहीं लिए दोनों प्लेयर ने. दे लाइक एक ओवर तू खेल, एक ओवर मैं खेलेंगे. अभी एक सनडाउन वाला माहौल भी हो चुका है तो दे लाइक तू वहां एंजॉय कर, मैं यहां एंजॉय करता हूं. स्कोर कार्ड को भी एंजॉय करवाते हैं. एंड आई थिंक इसी के साथ टेक्नो की ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट. और यहां पर एक अच्छी बॉलिंग मिस हुए हैं. उन्होंने बताया कि भाई ऐसी स्लॉग करके मुझे नहीं निकाल सकते आप. और यहां पर एक कैच का मौका मिजो के पास लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, काफी मुश्किल था. बट शायद वो कहते हैं ना यही हाफ चांसेस पकड़ने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द टाइड ऑफ द गेम. रेडी, शायद ये एक और छक्का है. बिल्कुल है, विली ने पूरी कोशिश की लेकिन क्या करें, अब टेक्नो इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ. विली के ऊपर वेनम को भी खड़ा होना पड़ता तब जाके शायद ये बॉल रुकती तब भी भाई. और
टेक्नो ने तो डिसाइड कर लिया कि एक्स्ट्रास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हमें चाहिए नहीं एक्स्ट्रास, हम खुद ही 4-6-4-6 खेलेंगे। और अच्छी बोलिंग यहाँ पर लेग बाय, लेकिन सौरभ थोड़ा सा एक रिस्क लेते हुए, टेक्नो ने कहा है रिस्क की जरूरत ही नहीं है, वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। और उसी जगह पे बॉल गई थी जब पिछली बारी रन आउट हुए थे, तो आई थिंक टेक्नो के अभी घाव भरे नहीं है वहां के। और यहां पर एक कैच का मौका वेनम के पास एंड ही ड्रॉप्ड इट। ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी कैच, लेकिन टेक्नो लिव्स वन मोर टाइम भाई। और वेनम बिल्कुल रिलैक्स है, कोई पैनिक स्टेज पे नहीं थे, बट मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही ज्यादा सनस्क्रीन अपने हाथों में लगा दी, हाथ में आई हुई बॉल छूट गई यार। इवन टेक्नो वाज शॉक्ड, भाई ये कैसे हो गया भाई। टेक्नो से आज लॉटरी टिकट खरीदवा लो, आज का ही दिन है। So, टेक्नो का दिन लग रहा है, लेकिन जिन्होंने कैच ड्रॉप किया वेनम, बॉल टू ओवर्स, सबको एक एक ओवर डालना कंपलसरी। ये पांचवा ओवर का एंड है, ये आपका दूसरा ओवर है, सेकेंड ओवर। वेनम अपना दूसरा ओवर डालते हुए और यहां पर ब्यूटीफुली उसको प्लेस किया चौके के लिए, डॉबी के पास वहां पर कोई चांस नहीं, शी ट्राइड हर बेस्ट, लेकिन इट वाज प्लेस सो वेल कि एक और चौका मिलता है यहां पर टीम टेक्नो को। ये टाइमिंग वाइज आई थिंक बेस्ट शॉट थी इस पूरे पांच ओवर का जो हमने मैच देखा अभी तक, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें, एंड अ ब्यूटीफुल डिलीवरी देयर। और इनसाइड एज, लेकिन आराम से एक रन मिलेगा। आई थिंक तीन ओवर के बाद पहली बारी भागकर भी रन कमाए गए, उनको याद आया कि चौके छक्के के अलावा एक रन भी अलाउड है भाई क्रिकेट में। भाग सकते हैं थोड़ा सा, कार्डियो कर लेते हैं। लेकिन यहां पर व्हाट अ स्कोर राइट नाउ फॉर टीम टेक्नो, 5.2 ओवर्स के बाद 83 रन्स ऑन द बोर्ड एंड ब्यूटीफुली प्लेस्ड अगेन। सौरभ ने एक तरह से बोला टेक्नो भाई अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। एक बहुत बड़ा वहां पर एक गैप है, इनफैक्ट ऑफ साइड में सिर्फ एक ही प्लेयर है, डॉबी ही है। यस, ये इनिंग एक्चुअली हम रोहित और विराट से चाहते थे संडे को, जो हमें अभी टेक्नो और सौरभ से मिल रही है। हाँ हाँ, टेक्नो इज लीडिंग, सौरभ इज फॉलोइंग, शायद सौरभ रेडी नहीं थे वहां पर। ऑल गुड सौरभ, रील्स पोस्ट करने का एक अच्छा टाइम होता है, उसी तरह बैटिंग का भी अच्छा टाइम होता है, शायद सौरभ के लिए अच्छा टाइम, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा छक्का मार दिया है लेग साइड की तरफ, अ ब्यूटीफुल पुल भाई। ये तो नो लुक वाला सिक्स था, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ मारा है कि भाई वानखड़े में भी मैं ये छक्का मार सकता था। देखिए 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 देखिए, कम से कम 70 मीटर दूर गया ये बॉल। चलिए सौरभ भी अपना रिप्ले देखकर खुश, और ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा छक्का, दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ द स्टेडियम, नया बॉल लाओ भाई। ये भी टैक्सी में बैठ के कोलाबा चला गया, सारी बॉल्स जा रही हैं कि टेक्नो की टीम हमें बहुत मार रही है। पहली बॉल तो अंधेरी पहुंच भी चुकी है, हम निकलते हैं यहां से। महंगा ओवर साबित होते हुए, तीन ओवर खत्म नहीं हुए वेनम के, लेकिन 60 रन पूरे। क्रॉन्टन भाई फोन पे चेक करते हुए कि कैसे बॉलिंग डालनी चाहिए अब, व्हाट टू डू। और विली ने कोशिश पूरी की यहां पर, डाइव अपना पूरा दिया यहां पर, लेकिन द शॉट वॉज जस्ट टू गुड, अनस्टॉपेबल समय टीम टेक्नो। सिक्स ओवर्स के एंड में आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ ड्रिंक्स ब्रेक। हम देख सकते थे कि सौरभ और टेक्नो थोड़े से थकते हुए, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम वेनम की टीम के लिए, क्या वो बैठे साथ में और डिस्कशन करें कि किसको ओवर डालना है। ध्यान दीजिए कि अभी उनके कुछ बॉलर्स ने एक ओवर भी नहीं डाला, और सब बॉलर्स को एक एक ओवर तो डालना ही पड़ेगा। चार ओवर, 17 रन की ज्यादा की रन रेट यहां पर चलते हुए, 110 बोला था वेनम ने, 110 से ज्यादा बनाने नहीं देंगे, 103 तो ड्रिंक्स ब्रेक तक बना लिया उन्होंने, और भाई दोनों 50-50 बनाने वाले हैं। वाओ, सो क्लियरली टेक्नो ने वो DRS का पूरा फायदा उठाया, रॉक पेपर सीजर्स जो होता है इसकी इतनी वो इतनी कीमती हो सकती है, शायद हमने कभी रियलाइज नहीं किया होगा, शायद टेक्नो ने भी रियलाइज नहीं किया होगा कि रॉक पेपर सीजर्स गेम कैन गिव यू सो मच। अभी जो वेनम के फैंस हैं वो बोल रहे होंगे कि JD भाई के रूल ने पूरे जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया, गेम ही बदल दी। लेकिन इस समय जस्ट अगर बैटिंग की बात करें, सो ब्यूटीफुल,
सो एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाओ. अगर टीम टेक्नो की बात करें तो वो इस समय अनस्टॉपेबल हैं एंड यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था टीम वेनम के चेहरे पर वो थोड़ा सा कम होते हुए. हम तो बातें करते रहेंगे. आई थिंक लेट्स गो टू उर्जिता जो वहाँ बैठी है हमारे बैटर्स के साथ. टेल अस उर्जिता, क्या माहौल है ग्राउंड में? माहौल काफी सेलिब्रेटरी लग रहा है. ऐसा लग रहा है ये लोग मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं. दैट इज व्हाट इट इज सीमिंग लाइक. सो मैन, कैसा लग रहा है आपको इतने सारे रन्स बना के अपनी टीम के लिए? वैसे फेस पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ना, ठीक चल रहा है अभी और इसके बाद ट्राई करेंगे. अपने पास और बेटर प्लेयर है, वो भी आके लपेटेंगे. क्या बात है, क्या बात है. दैट्स दैट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. नाउ कैन वी प्ले द नाउ लेट्स प्ले अ लिटिल गेम विद यू गाइज. या कैन यू गाइज कम ओवर हियर. आई वुड लाइक टू प्ले अ लिटिल गेम विद यू गाइज. तो आपने ऑलरेडी अपने पिच पे काफ़ी ज़्यादा रन्स बना लिए, बट नाउ यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स. आई एम गोइंग टू प्ले अ स्मॉल गेम विथ यू. इट्स द रैपिड फायर गेम. इसमें क्या होगा कि मैं आपको छोटे छोटे सवाल पूछूंगी और आपको उनके जवाब देने. आपको जिस भी सवाल का जवाब आता हो आप हाथ ऊपर कर दीजिएगा जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन. एंड सर, कैप्टन जो है टीम के, आप डिसाइड करोगे कि कौन जवाब देंगे. ओके, इट इज़ इन योर हैंड्स. ओके, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, हियर गोज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. 2022 में इंडिया में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम कौन सा था? रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन. 2022 में इंडिया का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम कौन सा था? नॉट यू नॉट अलाउड टू डिस्कस. डिस्कशन नहीं. नो, यू डोंट हैव टू आंसर. यू हैव टू टेल मी हु विल आंसर द क्वेश्चन. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. यू कांट, यू हैव टू आस्क. सर, आपने ऑलरेडी काफी खेल लिया अपनी टीम के लिए, अब उनको भी जरा खेलने दीजिए. या नहीं? ठीक है, कोई भी बताए. सर, सर, डू यू थिंक? या टेल टेल. ऊनो और लूडो. लूडो, जस्ट वन. आई विल लाइक टू गो विद लूडो. यू श्योर अबाउट दैट? आई थिंक सो. या ओके देन, वन रन इट इज. दे गेट वन रन बिकॉज द आंसर इज राइट. ओके देन, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, आई विल गो ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, इंडिया ने कौन सी टीम को हराकर सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. पाकिस्तान. ओके देन, अनदर रन फॉर टीम टेक्नो. अमेजिंग. अनदर क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंस. सो ब्यूटिफुल, सो डैश, जस्ट लुकिंग लाइक अ डैश. सो एलिगेंट. Just complete the sentence. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just like your batting, just like the runs that you scored. Next time नहीं करोगे तो वो जितने कमाए हैं माइनस दे दूँगा. ऐसा ये कुछ नहीं. एरो कर रहा था ना? नहीं, एरो कुछ नहीं, नाम लो. Okay, next question. कैरी मिनाटी का real name क्या है? Raise your hands. अजय नागर. Spelling? AJAY. Wrong. And you have lost another run क्योंकि आपने spelling उनका by heart नहीं किया. ये देखिए, ये है हमारे आज के. ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं, बिल्कुल नहीं. I decide the rules. You don't get any points for that one. You don't. I do. Sorry. And no point. Yeah. Again, both of us do. Yes, it was a combined decision. Okay. ऐसा मत कीजिए आप. Okay. Next question. मैं अभी आपको एक गेम डिस्क्राइब करूंगी और आपको बताना है कि वो कौन सा गेम है. ओके, स्पेसशिप वाला गेम है जहां यू कीप इजेक्टिंग वन प्लेयर अंटिल द सस्पेक्ट इज फाउंड. सर, टेल मी. अमंग अस. परफेक्ट. अनदर रन फॉर यू गाइस. अनदर रन. कांग्रेचुलेशंस. एंड कैन यू प्लीज टेल मी कि हमने कितने रन बनाए? Four runs. Yes. We have 4 runs. You team Techno has won 4 runs. And how do you feel about this week? ठीक है, बस अब रियल विक्ट्री ऊपर जाते हैं. रियल विक्ट्री. सो आपको ये रन्स नहीं चाहिए? सौरभ कह रहा है मैंने एक बॉल के बराबर है. अच्छा, पता चला इसके बाद ये एक एक रन वाले ही बॉल मारे, पर कोई बात नहीं. मूविंग ऑन टू रोहितन अंगद. थैंक यू सो मच उर्जिता. एंड यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस समय. सौरभ की जो बॉडी लैंग्वेज है एंड टेक्नो गेमर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, काफी 18 बॉलों पे 42 रन बनाने के बाद बंदा कॉन्फिडेंट ना हो जिंदगी में तो कब कॉन्फिडेंट होगा. बट मैं इंप्रेस्ड हूँ वेनम की टीम के साथ. देखो, अभी विली बैठ के हर एक को सिखा रहा है कि कहाँ पे कौन सी लाइन पे डालना है, कौन सी लेंथ पे डालना है, ताकि इतने लंबे छक्के भी ना खाएं कि सड़क तक जाए. बिल्कुल, छोटे छक्के खाएं थोड़े. और आपको इस पर्टिकुलर गेम के थोड़े से रूल्स याद दिला देते हैं कि हर एक प्लेयर को, यानी कि ऑल द प्लेयर्स हैव टू बॉल एटलीस्ट वन ओवर,
यानी कि अभी भी डॉबी और मिजो का एक एक ओवर बचता है. यस. तो अगर विली भाई इशारा करते हुए कि गेम क्यों नहीं चालू हो रही है तो जेडी को करिए, जेडी को करिए. तो वी आर राइट, मतलब हम लोग बाउंड्री रोक के एकदम 3 फीट पीछे खड़े हैं, तो 2-3 बार तो बाउंड्रीज पे बॉल भी आई, हम लोग डॉज वॉच करके बचे हैं. आई थिंक वी गॉट द बेस्ट सीट्स इन द डेफिनेटली. और मुझे लगता है शुरू शुरू के छक्के थोड़े वो टेंटेटिव थे, प्लेयर तो हमारे पास आ रहे थे, उसके बाद तो हमसे भी पीछे पीछे गए. तो अब लेकिन ये जो इतना अच्छा खासा ब्रेक हो गया है ना, इस पे बैटर्स अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देते. बिल्कुल. वो जो अभी momentum. वो हाँ डगआउट में गए होंगे, सबने कहा अरे शाबाश शाबाश शाबाश. तो अभी लेकिन उनको फिर वो एक दो बॉल के लिए गेट देयर आई इन. या तो लेकिन मुझे जिस तरह से सौरभ नजर आ रहे हैं वहां पर अपना फोकस रीगैदर कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं, वापस टेक्नो को बता रहे हैं कि शाबाशी मिल गई, वाह वाही हो गई, लेकिन अभी अगर आउट हो गए तो बेइज्जती होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड यहाँ पर आई थिंक मिजो आती हुई अपना पहला ओवर डालने के लिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने क्रॉटन को बोला कि जो होगा होगा, तू ओवर तो दे. और यहाँ पर अब उन्होंने मना कर दिया, एक बॉल थोड़ी शॉर्ट डाली तो कि रहने तो रहने दो कोई और चला जाए. लेकिन पिछले साल का बदला लेते हुए अ कैप्टन्स इनिंग्स ऑफ कोर्स मेकिंग फुल यूज ऑफ द DRS जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है. चलो लेट्स टेक अ प्रेडिक्शन. ठीक है, आपके हिसाब से 4 ओवर बचे हैं, 106 रन बन चुके हैं 6 ओवर में, कितने रन बनाएंगे टेक्नो की टीम? आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स राइट नाउ. भले यहाँ पर कोशिश होगी जॉनाथन की रोकने की, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 190. सो यू मीन एटलीस्ट 84 रन और बनेंगे इन द नेक्स्ट 24 बॉल्स. 24 बॉल, आई एग्री विद यू. आई फील 20 रन पर ओवर के हिसाब से चलेगा. 70 बोल दो ना यार, मैं जीत जाऊंगा. मैं 189 ले लेता हूं. ओके, लेट्स सी हु इज क्लोजर. यस, ठीक है. ऑलराइट, सो मिजो इज नाउ रेडी टू बोल हर फर्स्ट ओवर. 6 ओवरों के बाद एक जाइगेंटिक स्कोर ऑन द बोर्ड राइट नाउ. द मैच रिज्यूम्स एंड शुरुआत एक वाइड के साथ. ये तो अगर हम लोग बगल में एक और पिच लगाते तो उसमें भी वाइड होता. एंड सौरभ समझाते हुए टेक्नो क्योंकि बॉल बैठेगा, बॉल बैठेगा. डेड बॉल है. नहीं, अंपायर, आई थिंक अंपायर ने यहाँ पे गलत डिसीजन दिया. ये नो बॉल बनती है, तब 2 टिप्पे खा लेती है बॉल. तो डेड बॉल. अंपायर का आई थिंक थोड़ा दिल सॉफ्ट है. सॉफ्टी, ही इज अ क्यूटी. एंड यहाँ पर कैच का मौका एंड सेफ हैंड्स. डॉबी हैज गॉट द फर्स्ट विकेट. डॉबी ने पता है कैच को पकड़ा, क्योंकि डॉबी को आदत होती है सॉक्स पकड़ने की. तो जैसे उसने देखा कि मास्टर मेरी तरफ कुछ फेंक रहा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, और उन्होंने फटाफट बॉल पकड़ा और बोला आई एम फ्री. और द कैप्टन नाउ इज वॉकिंग बैक टू द पवेलियन. मिजो बोलिंग, डॉबी कॉट द कैच. एंड यू कॉल्ड इट राइट रोहित, आपने बोला था कि कभी कभी जो थोड़े एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होते वो ऐसी लेंथ पे बॉल डाल देते हैं कि उनको विकेट मिल जाती है. कभी कभार हो जाता है कि आप अंडर एस्टिमेट करते हो बॉलर को. And that bowler gets that perfect line, that perfect length, and yehi hua. And is samay shayad maine kuch teesra catch pakda gaya. Do catches drop hue hain, third catch finally they held on to. And yahan par Lols has walked into the crease. And JD ke haath mein agar aap ek stopwatch dekhen to JD is keeping a tab on the time, kyunki agar 30 second mein batsman batting position par nahi pahunchta hai to wo out karar diya jayega. I think JD is happy. और एक कैच, मिजो इज ऑन अ हैट्रिक. अमेजिंग अमेजिंग. उनका लो बाउंस इज फूलिंग द बैटर्स. लोल्स को लगा ये बॉल तो सीधा सिक्स के लिए है, लेकिन उनको 2-3 बॉल आराम से खेलनी चाहिए थी. और विली गेमिंग का कॉन्फिडेंस देखिए टीम में, हाई फाइव्स ऑल अराउंड. एंड लोल्स का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है. ही इज लाइक भाई DRS ले सकता हूं क्या मैं. लोल्स एकदम टहलते हुए वापस जा रहे हैं, टहलते हुए आए थे फर्स्ट बॉल. लेकिन मिजो इज ऑन फायर राइट नाउ. मिजो सामने से 2 बॉल्स 2 विकेट्स. मिजो तो लग रहा है क्रिकेट के साथ साथ पोकर भी खेल रही है. उन्होंने चश्मा ही पहन रखा है, दैट सो दैट यू कांट रीड माय आईज. लेकिन इस समय कमाल आंखों का नहीं हाथों का है, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रही है. राका जोन इज नाउ. राका जोन ने एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट करते हुए चौका मारा है. पिछले साल राका जोन वॉज विथ टीम वेनम. ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर टीम वेनम. लेकिन राइट नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग टीम टेक्नो. एंड मैंने पूरी दोपहर नोटिस करा था, बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे थे, राका सो रहे थे. ही इज द काम बिफोर द स्टॉर्म. रिलैक्स है वो एकदम.
और ये यहाँ पर कुछ तो हुआ है लेकिन JD का डिसीजन इज फाइनल सो दैट मींस इट इज अ वाइड आई फील दो टिप्पे के बाद नो बॉल कॉल होनी चाहिए थी और यहाँ पर एक और हाफ चांस मैं बस यही बोलने वाला था कि पिछली बार जब मिजो ने वाइड डाला तो बैक टू बैक दो विकेट्स मिले yes. और यहाँ पर एक हाफ चांस मिला मिजो को बाकी आपकी और ये ओवर खत्म नहीं नहीं अभी दो बॉलें बची हैं और इस बॉल पे सब कुछ था भाई कैच का भी चांस था रनआउट का भी चांस था दैट्स अनदर वाइड कॉल्ड बाय गेम मास्टर JD आई थिंक टीम वेनम बोल रही होगी वाइड चलेगी अपने को ये एक और वाइड बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स इन द गेम राइट नाउ विकटों की नहीं वाइडों की तो हैट्रिक हो ही चुकी है ये अंपायर नो बॉल क्यों नहीं दे रहे हैं ये वाइड का पता है ना दो टिप्पों का नो बॉल होता है चाहे बॉल जितनी वाइड जाए लेकिन गेम मास्टर JD से कौन ही बहस करे गेम मास्टर JD कह रहे हैं यार उठाता हूं तो मैं दोनों हाथ एक साथ ही उठाता हूं मुझे एक हाथ उठाना पसंद नहीं है और ये वाइड का एक अलग ओवर चल गया है एक नया कॉलम बनाना पड़ा हमें स्कोर कार्ड में ग्राफिक की स्पेस खत्म हो गई है ग्राफिक वाले अब अपना एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं आई थिंक इस टाइम बॉलिंग टीम को अपने बॉलर को इनकरेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या यार Now. ये सौरभ ने मैक्स गली क्रिकेट वाला काम करा है कि अगर वो खड़े रहते तो बॉल खेल पाते बट वो बिल्कुल हट गए कि वो वाइड का एक रन भी नहीं छोड़ना चाहते ये कुछ चीटियों के लिए पुल ड्राइव के लिए बॉल थी सेकंड रो आ चुकी है आप नीचे देख रहे हैं सेकंड रो चालू हो चुकी है ऑफ वाइड्स अभी तक इनिंग्स खत्म हो गया होता अगर सारी लीगल डिलीवरीज होती I think Venom की टीम 20 ओवर तो खिलाई देगी टेक्नो की टीम ये अलाउ कर दूंगा सिंगल हैंडेडली ये मिजो भी कर सकती है मिजो ने यहां पर अपना साइड बदला अराउंड द विकेट आते हुए इज दैट अ लीगल डिलीवरी राइट दैट इज अ वाइड इट हैज बीन कॉल्ड अ वाइड अराउंड द विकेट आते हुए बहुत स्मार्टली खेलते हुए एक वाइड नहीं छोड़ रहे एक और वाइड मीजो कह रही है कि मुझे पता था तुम लोग मुझे दूसरा ओवर नहीं दोगे मैं अभी से ही कर देती हूं कंप्लीट अपना दूसरा ओवर अगले चार साल के ओवर मीजो ने एक ही साथ डाल दिए हाँ अब वेनम उनको सीम पोजीशन समझाते हुए जबकि शोल्डर की पोजीशन समझानी है और ये कौन अरे मौका शायद एक थोड़ा सा बनता हुआ दिखा और यहां पर टीम को यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतना टाइम हो गया अभी भी एक बॉल बची है शायद ओ ये एक ड्रॉप्ड चांस लेकिन व्हाट एन ओवर एक ही ओवर में ऑलमोस्ट चार चार मौके और ये 50 पूरी होते हुए सौरभ की इन जस्ट 14 बॉल्स KL राहुल की पेस से इन्होंने 50 बनाई है और इस ओवर में इन्होंने कम से कम नहीं तो 6 से 7 वाइड अपनी टीम को एक्स्ट्रा दिलवाई है 7 ओवर इस ओवर में 21 रन आ गए जो हमने बोला था ना कि हर ओवर में 21 रन चाहिए तो इस ओवर में 21 रन आ गए तो अंगल आपने प्रेडिक्ट किया था 189 आपको लग रहा है कि वो आंकड़ा आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं नहीं नहीं मैं 189 के ये स्ट्रीकर आ गए स्ट्रीकर आ गए पकड़ो हेलो पकड़ो गिराओ इनको सिक्योरिटी ओके बैट लेने आए अच्छा सेल्फी चाहिए पकड़ लिया है मूवमेंट है भाई मूवमेंट है एनीथिंग कैन हैपन दिस इज द रेड बुल शोडाउन शायद उनको सेल्फी नहीं मिली स्टेडियम के बाहर छोड़ गया रुक जाओ वो कोने से चिल्ला रहे हैं जब भाग गए उनको भागने में ध्यान था वो फ्रंट कैमरा ऑन करना ही भूल गए अच्छा प्रैक्टिस और यहां पर राका के बहुत बड़े फैन मैदान के बीच में आ गए एक सेल्फी लेने राका रेडी लेकिन जब तक वो क्लिक करते रेडी सिक्योरिटी टीम वहां पर आ गई और यहां पर डॉबी ने अपना पहला बॉल डाला और शुरुआत हुई एक वाइड के साथ एंड साथ में एक सिंगल भी भाग लिया गया
सौरभ अगर ऐसे ही खेलते रहे यार सेंचुरी भी बना सकते हैं। 20 बॉलों पे उन्होंने अपनी 50 बनाई है। सॉरी डेड बॉल का इशारा करा अंपायर ने। और एक बहुत ही करारा शॉट प्लेस सो वेल। एक तरफ मीजो थी दूसरी तरफ वेनम, दोनों के बीच में। सौरभ ने रेडबुल की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा, वहां हमारे कैमरामैन खड़े थे उनको भी अटैक हो सकता था। आई थिंक अब ये टाइम आ गया कि शायद फील्डर्स को भी हेलमेट और पैड पहनने की जरूरत है जिस तरह से सौरभ खेल रहे हैं। और एक बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बहुत लंबा छक्का मारा है यहां पर। मुझे लग रहा है अगले आईपीएल में ना सौरभ कंटेंट ही बना रहे होंगे, शायद टीम में ही खेल रहे होंगे किसी। ओह यहां पे स्टंपिंग का एक छोटा सा मौका, लेकिन क्या अपील करेंगे? नहीं, फोकस इंडियन ने बोला नहीं। मुझे लगता है कि पहुंच गए थे वो, सौरभ वापस आ गए थे। अब क्या लगता है कि सौरभ की यहां पर सेंचुरी हो सकती है? बिल्कुल यार, सिर्फ 34 रन बनाने हैं एंड जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो बेसिकली उनको 6 गेंदे चाहिए, क्योंकि वो छक्कों में ही डील कर रहे हैं। दूसरा वेनम की टीम उनका कैच पकड़ के राजी नहीं, दो कैच उनके ड्रॉप हो चुके, एक उनके दोस्त करण ने ही करा और दूसरा जो अभी बॉलर है उन्होंने करा। काफी प्रेशर माउंट होता हुआ इस समय टेक्नो की टीम के दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ ह्यूज टोटल 149 ऑन द स्कोर कार्ड एंड आठवां ओवर चल रहा है इस समय। मुझे लगता है सौरभ ना सारी वाइट जाने भी दे रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी रीगेन कर सके नेक्स्ट बॉल को अटैक करने के लिए। और उसी के साथ एक और सिक्स, इसी के साथ ही एंटर्स इज 70s। सिर्फ 24 बॉलों में इन्होंने 72 रन बना दिए। जो सौरभ की जर्सी नंबर है शायद उनका खेल भी वैसा ही चल रहा है, एकदम एक नंबर। भाई मुझे तो डर लग रहा है कि इंडिया ने 240 बनाए थे कि उससे ज्यादा ना बना दें ये। उन्होंने 50 ओवर में बनाए थे, ये 10 ओवर में ना बना दें। थैंक यू राको। बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट इस समय सौरभ का, और क्यों ना हो, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने बल्ले को गेंद के साथ। और ये तो हमारी तरफ से एकदम हवाई यात्रा के साथ ये बॉल स्कोर कार्ड में 6 रन ऐड करने के लिए तैयार। रोहित यार आप टीम का माहौल ना डगआउट से देख सकते हो। देखो सबको कुर्सियां मिली हुई हैं बट कोई बैठा नहीं उस पे, सब बाउंड्री पे हैं, एक्साइटेड हैं दौड़ने के लिए। टेक्नो की टीम उनको नजर आ रहा है कि जीत बहुत करीब है, बट ना बैटिंग का तभी पता चलता है जब दोनों टीम एक बारी कर लेती है। और इसी के साथ एक और सिक्स पे सिक्स इस ओवर में आए हैं, ऑलमोस्ट 30 रन। और जितनी बार आज जेडी ने सिक्सर का साइन किया है उनके मतलब बल्ले बल्ले हो गए हैं सौरभ। और व्हाट एन एक्सपेंसिव ओवर यहां पर डॉबी का, 33 रन आए इस एक ओवर से। ये वाला ले रहे हो और इस ओवर में वाइड कम थे लेकिन 5 छक्के लगे हैं। विली देव टेकन द पावर रन और सौरभ की सेंचुरी। क्या ये रेडबुल शोडाउन की पहली सेंचुरी होगी? डेफिनेटली पहली सेंचुरी होगी। अंगद रोहित पावर ओवर लिया गया वैसे। ओके पावर ओवर लिया है इस समय बैटिंग टीम ने। हम लोगों को याद दिला दे जितने रन बनेंगे वो डबल हो जाएंगे, अगर विकेट गिरेगी तो बैटिंग टीम का -5। अरे पावर ओवर तो हम भूल ही गए थे जब हम अपना प्रेडिक्टेड स्कोर बता रहे थे। बट इस ओवर में वन टेप वन हैंड से आउट हो सकते हैं और DRS अलाउड नहीं है। DRS तो वैसे भी बैटिंग टीम ले चुकी है तो वो अलाउड नहीं है। ये शायद थोड़ा सा फास्ट लेकिन ब्यूटीफुली ग्लाइडेड, एक बस दिशा दिखाई बॉल को राका ने। राका अपने जोन में है इस समय। राका कह रहे हैं और तेज डाल दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8 रन आगे एक ही बॉल पे। अंगद ये मौका मैं लेना चाहूंगा, मैं 190 से अब 200 प्लस करना चाहूंगा अपने प्रेडिक्शन को। और ये एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग बाउंसर प्लास्टिक पिच का पूरा फायदा उठाते हुए। विली ये अब है कंपटीशन इस मैच का, विली वर्सेस सौरभ। विली बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं बॉलिंग में, पहले ओवर में उन्होंने वाइड डाली थी बट इस बारी दोनों बॉल बहुत बढ़िया। और एक स्लोअर डिलीवरी लेकिन द मैक्सिमम फ्लैटेस्ट सिक्स इस मैच का, पूरा हेलीकॉप्टर वाला सिक्स। और इसी के साथ 12 रन मिलेंगे सौरभ को, 96 में पहुंच चुके हैं। प्रॉपर हेलीकॉप्टर शॉट, इसका शायद रील बनेगा।
ये पावर ओवर लिया था ना इन्होंने, ऐड नहीं हुआ। और एक और ये बढ़िया गैप, एक और चौका। और आपको ये बता दें कि टीम को यहां पर इस पावर ओवर में डबल रन्स मिलते हैं, बैट्समैन को उतने ही रन्स मिलते हैं जितना वो स्कोर करेंगे। That's the beauty of power over. One shot away, Saurabh. 94 पर है समय, Saurabh. Will he get the first century of Red Bull Showdown? दो बाकी, two remaining. और ये बाय के मिलेंगे इनको यहां पर चार रन। हाँ, अंपायर ने लेग बाय का इशारा करा है, तो विली का मानना है कि बैट से लगकर ही गई थी। और सौरभ भी कहेंगे कि हाँ बैठ के रन दे दो यार, मैं 98 पे पहुंच जाऊंगा। मात्र 29 बॉलों में समय 94 पर हैं सौरभ, और अभी रन्स डबल नहीं हुए तो 187 तो ऑलरेडी बन चुके हैं। और ये हमारी तरफ बॉल आते हुए एक शानदार चौका, दैट मींस सौरभ इज ऑन 98 नाउ, जस्ट टू मोर रन्स फॉर दैट सेंचुरी, फॉर दैट अमेजिंग इनिंग्स। बट ही विल हैव टू वेट क्योंकि ओवर हो गया है समाप्त। लास्ट ओवर डालने आए हमारे जोनाथन उर्फ कराटे किड। आई थिंक वो डबल हुआ है स्कोर, क्योंकि फिर क्योंकि 25 रन बने थे, आई थिंक धीरे धीरे ऐड हो रहा है, एक एक डाल चुके हैं ना, तो 200 पार हो चुका है क्योंकि पावर ओवर का पूरा फायदा उठाया टीम टेक्नो ने इस समय। और प्लेस किया इसको लेग साइड में, फोकस इंडियन ने पूरी कोशिश की लेकिन दैट वॉजंट इनफ, अ बाउंड्री। और राका भाई ने आपने देखा क्या गेम खेला, उनको था कि मैं सिंगल लूं, सौरभ को स्ट्राइक दूं, उनको अफसोस हो रहा था कि बॉल चौके के लिए चली गई। बिल्कुल, आई थिंक टेक्नो टीम में, और ये रन भागा और राका ने अपनी विकेट सैक्रिफाइस करी। बट ये तो सही चीज थी करने की, सौरभ के लिए बनता था ये, उन्होंने टीम को अकेले 200 रन के पार डाला है। लेकिन इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिरता है, लेकिन वेनम टीम ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जिस तरह अभी 100 रन बनाया टेक्नो टीम ने। लेकिन यहां पर एक्साइटमेंट है, लास्ट ओवर है, सौरभ को 2 रन चाहिए एंड सौरभ इस समय स्ट्राइक पर है। एंड यहां पर आ चुके हैं हाइड्रा फ्लिक, नाम में फ्लिक, और ये बॉल आई, क्या ये चौका है, बिल्कुल चौका है। एंड इसी के साथ सौरभ गेट्स द फर्स्ट सेंचुरी एट रेड बुल शोडाउन, लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 नॉट आउट, 102 टू मेक दैट प्रिसाइज, बट व्हाट एन इनिंग्स। इन सिर्फ 31 बॉलों में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी है, बहुत ही वेल प्लेस इनिंग्स। और अब वो एक और सिंगल लेते हुए, और एक रन आउट का चांस था लेकिन रॉन्ग साइड में भागे, लेकिन ये ओवर थ्रो के 4 रन और मिलेंगे टीम को। जोनाथन अभी थोड़े चैरिटी मूड में है, वो कह रहे हैं कि यार तू एक रन क्यों लेगा यार, तू ओवर थ्रो की भी 4 और ले। 5 रन देते हुए सौरभ को गिफ्ट, लेकिन एक बहुत ही मैमथ टोटल टेक्नो टीम ने यहां पर खड़ा किया है। फ्री में बांट रहे अभी, ये जो बीच में एक थोड़े मिनट्स का ब्रेक होता है बिटवीन द इनिंग्स, उसमें टीम वेनम को फोकस करना पड़ेगा कि क्या करना है इस टोटल के साथ। और एक और बाइस के यहां पर मिलेंगे, क्या ये वाइड है, नहीं, अंपायर ने चौके का इशारा कर दिया है, तो अनदर 4। टीम वेनम को एक सॉरी टीम टेक्नो को एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, विकेट कीपर एटलीस्ट बाय के रन तो रोक ले। बिल्कुल, शायद वो भी कोशिश यही करते होंगे। और एक थोड़ी सी लूज डिलीवरी, लेकिन सिर्फ एक ही रन, लेकिन रन आउट का चांस यहां पर। ओके, अंपायर ने बोल दिया है कि इसको कैमरा से डिसाइड किया जाए कि क्या ये रन आउट है कि नहीं। और हाइड्रा फ्लिक को भी पता है कि उन्होंने थोड़ा लेट भागना शुरू करा, नहीं तो वो आराम से पहुंच जाते क्रीज में।
ओवर हो गया, बट सौरभ ने तो वो वाली इनिंग खेली है जो वो सईद अनवर ने 194 मारा था ना हमारे अगेंस्ट, फिर उसके बाद वो आए नहीं थे फील्डिंग करने के लिए, बट अभी उनके पास सब्स्टिट्यूट का कोई ऑप्शन नहीं है सौरभ के पास, ओवर भी डालना पड़ेगा। आई थिंक पूरी टेक्नो टीम को बैठ के सौरभ की मसाज करनी चाहिए इसके बाद। बिल्कुल, इतना तो बनता है। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, अगर रनआउट हो भी जाते हैं, और ये रहा हमारा कैमरा रिप्ले। ऑल राइट, क्या ये रनआउट है? आई थिंक रनआउट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉल है अंपायर के लिए। आउट। ऑल राइट, अंपायर ने बोल दिया है इट इज आउट। बट व्हाट एन इनिंग्स, पहली बार रेडबुल शोडाउन में खेल रहे हैं सौरभ, और पहले बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए सेंचुरी मारते हुए, व्हाट एन इनिंग्स। क्लियरली काफी डीमोरलाइज कर दिया इन्होंने टीम वेनम को। सौरभ की सेंचुरी का आपको लग रहा है वेनम टीम में सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? सौरभ की इनिंग्स का दुख, फोकस्ड इंडियन आरएल डिजाइन में, लेकिन वो तो काफी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, बट तभी तो दुख होगा ना, आपको ये पता है कि उसने सेंचुरी बना दी तो मुझे बराबर के रन तो बनाने पड़ेंगे। वो भी है। बट 10 ओवर के एंड में इसी के साथ टेक्नो की बैटिंग नहीं खत्म होती है, 10 ओवर के एंड में उन्होंने बनाए हैं 231 रन। मतलब चेस करने के लिए 232 चाहिए, लेकिन इस समय टीम वेनम की 32 ही एकदम गुल है, कहीं दिख नहीं रही है, कोई मुस्कुराहट नहीं है इस समय डगआउट में, पेंसिव मूड है इस समय। एंड इस समय यही डिस्कशन हो रहा है कि कैसे चेस करना है मात्र 60 गेंदों में 232 रन। आपको क्या लग रहा है कि वेनम टीम के डगआउट में अभी क्या बातचीत चल रही होगी? अभी विली सबको क्या डांट लगा रहा होगा, भाई तूने कैच क्यों नहीं पकड़ा? वो अगर कैच पकड़ लेते तो शायद हो जाता, लेकिन एक कैच पकड़ा, उसका DRS लिया गया, उसका पूरा फायदा उठाया गया, कुछ हाफ चांसेस थे, लेकिन ऐसे कोई उन्होंने गिव अवे नहीं किया है, उन्होंने पूरा डोमिनेशन दिखाया ना अंगद। हाँ, वो कुछ हाफ चांसेस थे, आई एग्री, बट एक बारी वो जो शुरू की 10-11 बॉलें सौरभ ने खेली और उसके बाद जो वो फॉर्म में आए, स्टेप डाउन करके पुल शॉट खेल रहे थे आराम से। बिल्कुल, अब उनको वो बॉल नहीं, वो बॉल उनको फुटबॉल नजर आ रही थी, मिस तो कर नहीं रहे थे, स्पेसिफिकली वो वाइड के कितने रन उन्होंने अपनी टीम के लिए इकट्ठे करे। बिल्कुल, इस समय अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो रनआउट हुए सौरभ, लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, 33 बॉलों में 108 रन बनाए सौरभ ने। एंड इस समय टेक्नो ने तो बना दिए हैं रन, वेनम को चाहिए 232 रन इन देयर 10 ओवर्स। जो भी होगा रोहित, चेज में मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि 233 चेज करने के लिए वेनम की टीम को शुरू से ही अटैक करना पड़ेगा, आप एक आध ओवर भी खाली नहीं जाने दे सकते। बिल्कुल, और अगर टेक्नो की टीम ने वाइड नहीं डाली तो और प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज द चैंपियन एंड द एक्सपर्ट इन गली क्रिकेट। आपने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया था शुरुआत में कि यार एक्स्ट्रास का ध्यान दे दो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली टीम टेक्नो अगर एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, ये टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर एक्स्ट्रास कंट्रोल कर लिया यार। लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आपका वो अगर अभी तक तो हमारा किसी उस पर 10 वाले पर लगी नहीं बॉल तो आपका 10 रन लग गया, पावर ओवर को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगर आपने पावर ओवर वो रन ओवर ले लिया जिसमें आपने 30 रन बना लिए तो सीधा आपके 60 रन बन गए टीम के। बिल्कुल, सो इट्स गोना बी वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम वेनम टीम। बिल्कुल, एक ऐसा गली क्रिकेट जिसके रूल्स काफी अतरंगी हैं, जिन लोगों को नहीं पता है आपको बता दें कि कुछ कुछ चीजें हमने ऐड की हैं, हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन, आपको बता दें कि यहाँ पर एक शीशा रखा है हमने, एक कांच का शीशा है, अगर बॉल वहां पर डायरेक्टली हिट होती है तो सीधा 10 रन मिलेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने रूल्स ऐड किए हैं, तो एनीथिंग इज पॉसिबल एक्चुअली। यस, एंड हर बॉलर को एक एक ओवर डालना है तो यू कैन टारगेट देयर वीकर बॉलर्स। या लेकिन जिस तरह से टीम टेक्नो ने तो हर बॉलर को टारगेट किया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये जब आप एक बार फॉर्म में आ गए तो छोड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। दो तीन बॉलें तो सौरभ ने टैक्सीज के अंदर ही पहुंचा दी, एक रेडबुल का भी शीशा तोड़ दिया उन्होंने। जो शीशा वो रेडबुल वाला नहीं था, वो दूसरा वाला था जो नहीं तोड़ना था, वो तोड़ दिया। जो तोड़ना था वो अभी तक टूटा नहीं है। हाँ। लेकिन 7 प्लेयर्स हैं, ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि पूरे ग्राउंड में आप अपने प्लेयर्स को कहां पोजीशन करवाएंगे वो भी आ गए भाई साहब, हमारे एनालिसिस चलते रहेंगे। मैन ऑफ द मोमेंट इज हियर एंड द कैप्टन इज ऑल्सो हियर। सौरभ भाई, कैसा फील हो रहा है? बचपन से सपना था मेरा कि 100 मारूं मैं, बिल्डिंग में तो बहुत 100 मारे वैसे मैंने, बट अभी काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ और ऐसे बड़े लेवल पे मरीन ड्राइव के सामने मुंबई में, वांखेड़े में मारता तो अलग बात थी, बट ठीक है, वांखेड़े के बाजू में 100 मार रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है, और बहुत मज़ा आया बैटिंग करने को, लेकिन वो एक दिल से मज़ा आया मुझे, बाकी कुछ नहीं।
हमें आपको देखने में दिल से बहुत मजा आया यार, आपने क्या क्या छक्के मारे भाई। सही में यार, मतलब हम लोग यही गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही आप यहाँ से गए इनिंग्स के बीच में, तो टीम ने आपका स्वागत कैसे किया, क्या बोला? हाथ वाथ मिलाया मेरे से पहले तो, वेल प्लेड नहीं ना वो वही ना, रेडबुल भी नहीं किसी ने दिया अभी तक। अच्छा आके पहले पीऊंगा। अच्छा। और हाँ सब एकदम खुश है और दिख रहा है वो, क्योंकि इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे है। मैंने लास्ट ईयर का पूरा मैच मैंने देख के एनालाइज किया कि मैं किसको टारगेट करूंगा, वो विली मेरे लिए थोड़ा नया था इसलिए पहले ओवर में मैंने उसको अटैक नहीं किया, पर पावर ओवर में कितने 50 रन मारे ना, 25-50, हाँ तो बेस्ट हो गया वो भाई। क्या बात है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आए, दिमाग से भी गेम खेल रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ टेक्नो, उस टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ जब आपने वो रन आउट हुआ और DRS लिया था? पता नहीं मैं बहुत एग्रेसिव हो गया था, तो क्या हो रहा है ना, बॉलर क्या कर रहे हैं, कभी फास्ट आ रही है, कभी ऐसे मिडारो, कभी कभी बहुत ही स्लो आ जा रही है। तो सेम उस टाइम मैंने ये करा कि भाई अभी मेरे को ऐसा लग रहा था आज मैं तोड़ तो सकता हूँ, तो इसलिए मैंने DRS लिया और जीत भी गया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया था अंगद मैच में, जब हम लोग टॉस पे मिले थे टेक्नो से, तो टेक्नो ऐसे खड़े थे, अभी जो सीना चौड़ा हो चुका है टेक्नो का, क्या जो मतलब ऐसा लग रहा है कि चेस्ट वर्कआउट करके ही आए हो अभी, मतलब थैंक्स टू सौरभ, ये जो परफॉर्मेंस ने सीना चौड़ा कर दिया यार तुम्हारे कप्तान का। टेक्नो ने भी बेहतरीन रन बनाए, और मैं उल्टा कहना चाहूंगा, वो पहले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, अब जब रन बन गए तो कह रहे हैं ठीक है अच्छा खेले सब, बॉयज प्लेड वेल। बट एक चीज है, हमने 150 टारगेट करा था, 232 करा है, बट ऐसा नहीं है कि हमने जैसा खेलना था उससे अच्छा खेला है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है सामने वाले भी, जैसे एक्स्ट्राज और जो फोर ओवर जा रहे हैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो फील्डिंग बोर्ड अच्छा किया है पर घमंड नहीं है, अच्छा किया है ये, अच्छा करने के बाद ही लोग बोलते हैं। अच्छा सौरभ, लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपका फेवरेट सिक्स कौन सा था? आई नो आपने बहुत सारे मारे, एक बच्चे की तरह आपको चूज करना है, बट आपका फेवरेट बच्चा आज कौन था? वो जो शायद ऑलमोस्ट मरीन ड्राइव कपल बैठे थे उनके बीच में गिरा, ऑलमोस्ट शायद वो वाला मेरा बेस्ट, और एक गाड़ी का कांच भी तोड़ा मैंने शायद, सब बोल रहे लोग, तो अगर है ऐसा तो पहले बोलो मैं निकलता होगी। थैंक यू सो मच सौरभ एंड टेक्नो, आप जाइए आराम करिए, गेट रिफ्रेश, अभी बॉलिंग करनी है आपको, एंड रेडबुल पिलाओ यार इनको। हाँ रेडबुल पिलाओ यार, नहला दो रेडबुल में, मैं तो कहता हूं बनता है, एक शोल्डर मसाज तो कम से कम बनता है। बट इसके बाद हमारे पास है गाइस हाइलाइट्स, हम देखते हैं क्या रहा पहली इनिंग में बिल्कुल बैटिंग टीम का अटैक, और ये सौरभ की तरफ से जो छक्के पड़ने शुरू हुए थे, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ हिज फर्स्ट सिक्सेस जो उन्होंने जोनाथन को मारे थे। मॉनसून वैसे मुंबई में जा चुका है, लेकिन ये जो छक्कों की बारिश हुई सौरभ के बल्ले से, और मुझे ये तो हाईलाइट ज्यादा जेडी की लग रही है, बेचारे छक्के के लिए कंधा सीधा भी नहीं कर रहे, वो कह रहे मैं इतने में ही ठीक हूं, बहुत मार रहे हैं ये लोग। ये मेरा सबसे फेवरेट शॉट था, टाइमिंग के साथ गैप के साथ टेक्नो ने निकाला फॉर अ फोर रन, एंड देन सौरभ ने ही नेक्स्ट बॉल पे कहा भाई साहब हम भी आपको फॉलो करेंगे, और ये जो पुल शॉट मारा सीधा दूसरे ग्राउंड में जाकर पहुंचा, एंड ये था शायद वो वाला शॉट जो सौरभ का फेवरेट शॉट था, सीधा कोलाबा में बैठे कपल्स के बीच में। मुझे पता है कि सौरभ स्काई के बहुत बड़े फैन है, बट ये उल्टा स्काई वाला इनिंग था, इन्होंने सारे विकेट के सामने रन बनाए, विकेट के पीछे कोई रन नहीं मिला इन्हें, और ये जो कैच लिया डॉबी ने, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, एक मोमेंट ऑफ जॉय फॉर टीम वेनम, एंड बैक टू बैक विकेट्स हुए, अगेन एक रिवाइव सा हुआ, लेकिन फिर मिसो ने थोड़े से रन्स खाए, थोड़े से वाइड्स फेंके, एक छक्का भी गया यहां, लेकिन दूसरी तरफ सौरभ वॉज अनस्टॉपेबल। यार मुझे लगता है कि वेनम की टीम इस गेम में सिर्फ 3 बॉलों के लिए थी, जब उन्होंने उसमें वो 2 विकेट निकाली और उससे पहली वाली बॉल, उसके अलावा इट वॉज टोटल डोमिनेशन बाय टेक्नो गेमर्स, एंड आई थिंक हम सौरभ की सेंचुरी के करीब जाते हुए, ये देखिए दूसरे ग्राउंड के भी जो ग्राउंड्समैन है वो इंटरेस्टेड हो गए थे, इतने छक्के पड़ रहे थे, और यहां पर कहीं ना कहीं सौरभ ये विश करते हुए कि काश मैं हेलमेट पहन के आता या टोपी पहन के आता तो सेंचुरी सेलिब्रेशन में ज्यादा फील आती, एंड शायद यही था वो चौका, नहीं ये हेलीकॉप्टर शॉट जो इन्होंने मारा था, जो स्ट्रेट 6, एंड दिस वाज द 4 जो इन्होंने गैप पे ढूंढा, आई थिंक ही गॉट अराउंड 98 एट दिस पॉइंट, एंड फाइनली जेडी खुश होते हुए कि मुझे एक चौके का इशारा भी करने को मिला, एक्स्ट्रास बहुत मिले, एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा, ये वाइड का एक्स्ट्रा, and this was that beautiful shot jo hamari taraf aaya for that boundary jisi ke sath Saurabh made his century playing first time on Red Bull Showdown and what a performance Rohit mujhe lagta hai ki abhi jo humne innings dekhi na usme jo fielders field ke andar the unhone ball kam roki hai aur jo bahar wale log hain unhone zyada ball wapas di hai wo kehte hai na
जब खिलाड़ी बने दर्शक. खिलाड़ी बने दर्शक, यस. इस बार तो कमेंटेटर्स भी बने दर्शक. ऑल राइट, यहां पर थोड़ा सा एक रन आउट का चांस और पूरा चांस का फायदा उठाया. एंड जब कैमरा में चेक किया गया तो ये पता चला कि ही इज आउट. लेकिन they'll be really happy with what happened and ek bahut hi tagda score yahan par set kiya hai. lekin Jonathan jo pichle saal ke MVP the, unstoppable rahe pichle saal, and wo of course Venom team ke liye fir se batting karne ke liye taiyar hain. to kuch bhi ho sakta hai is game mein. bilkul kuch ho sakta hai. important cheez wo bhi hone wali hai ki Techno team catches kitne pakdenge. bahut crucial catches Venom ki team ne chode. and abhi aap dekh sakte hain wo batting ki practice karne aaye gaye. Jonathan seedha hi one hand ka six maar rahe. तो उम्मीद तो यही करेंगे Venom की कोई कैच का मौका ही ना मिले. बिल्कुल. एंड पावर ओवर का कैसे वो इस्तेमाल करते हैं. एंड पावर ओवर के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर पावर के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बैटिंग टीम को एंड स्पेशली बोलिंग टीम को. क्योंकि बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है यहाँ पर, लेकिन बोलर्स को वहां पर थोड़ा सा केयरफुली वो एक्स्ट्रा वो वहां पर Techno गेमर्स बोल के भी गए. थोड़ा सा हमें फील्डिंग का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वाइड्स का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि एक बार जो वाइड्स की बारिश स्टार्ट हो जाती है ना, फिर रुकती नहीं है. वो मुंबई की बारिश ऐसी नहीं होती, वो चलती रहती हो. बट बॉलर्स में भी हमें ध्यान देना चाहिए. बॉलिंग हाइलाइट्स मुझे पता नहीं कुछ अगर निकाल पाए हमारा कैमरा क्रू बॉलिंग हाइलाइट. वी हैव एक्चुअली द बेस्ट बॉलर विद अस. हाय मिजो, कम 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 जॉइन अस. मिजो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डाउट क्लियर कर लीजिए. अंगद का ये डाउट था कि आप थोड़ा सा पोकर फेस के लिए आप शेड्स पहन के रही हैं ताकि सामने वाले बैट्समैन को पता ना चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ऐसी पहने. So then what was the reason? Did you expect two back-to-back wickets? No, I did not. But I definitely did not expect so many wides. Jitna khushi mili wo wicket do nikalne ki, utna hi bura laga uske baad jo hua. 12 runs mile unhe, I think. So I don't know if I was the best bowler, but if you say so, people think so. दो विकेट लेने के बाद यू आर माइल्स अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स. थैंक यू. बट व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जब वो वाइड पे वाइड जा रही थी? एक्चुअली आई केप पैनिकिंग एंड आई थॉट कि जल्दी जल्दी बॉल डालनी है क्योंकि मैंने पहले क्रिकेट ऑफिशियली नहीं खेला है. सो आई जस्ट केप बोलिंग एंड एवरीवन लाइक टेक योर टाइम टेक योर टाइम. एंड आई थिंक पैनिक में आई केप पुटिंग वाइड. सो वो अभी आई एम अ न्यू प्लेयर सो थोड़ा. दैट्स फाइन दैट्स फाइन. लास्ट क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय प्लेइंग? Oh, I enjoyed it so much. Like starting ka part, end ka part thoda depressing sa tha, but I love bowling and I can't wait to bat. Actually, I don't want to bat. I want like since I'm last, I want my team to like not drop any wickets. So, aapke team ke discussion mein kya chal raha tha? What was Venom trying to say? Venom was actually trying to calm me down. Like he's a really good captain, and so was Jonathan. Everyone like aram se dal, focus kar, focus kar. They were trying to like calm me down. They saw I was panicking. So yeah. So all the best for the second innings. Lekin that was Mizo who took amazing wides and some wickets as well. Thank you so much, Mizo. Lekin is mein Urjita. You left her hanging, yaar. Oh, oh. I'm so sorry, Mizo. I thought you were coming for a handshake. Yeah. He is misleading as a person. He can be a great mystery spinner. बिना shades पहने भी मैं poker face हो सकता हूँ. लेकिन इस समय Urjita है कुछ interesting लोगों के साथ. So over to you, Urjita. हेलो हेलो एंड वेलकम बैक वेलकम बैक. वेल, टीम Techno ने अपनी इनिंग से टीम Venom के छक्के चौके और इक्के छुड़ा दिए हैं. आई कैन ऑलरेडी सी टीम Venom इतना डर गई है कि उनके सारे डंक अंदर चले गए हैं. वेल, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या टीम Venom भी अपना जहर फैला पाएगी? क्या टीम Venom जीत पाएगी? क्या टीम Venom Techno को अपना वर्ल्ड कप जीतने देगी? आई डोंट नो, फैंस ऑल्सो डोंट नो, बट लेट्स गो टू द फैंस एंड सी व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ. हेलो 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 सर. हेलो हेलो कमल सर. आपने लास्ट टाइम अपने प्रेडिक्शन किया था कि टीम Techno 100 के ऊपर रन्स बनाएगी. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने कम प्रेडिक्ट किया. आपको क्या लगता है कितना प्रेडिक्ट करना चाहिए था? जितना मारा उतना प्रेडिक्ट करना चाहिए. कितना मारा है? 231 टू विन है एक्चुअली. टू विन. ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? पम्प्ड है, टीम अच्छा है. अगर मेरे को रेड टीम बोलती है यार मुझे चीयर करो, शायद से उनकी भी हालत ऐसी हो सकती है. नहीं, पर आपने तो ऑलरेडी एक टीम के लिए चीयर कर दिया है ना. आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी. ऐसा मत बोलिए सर, एक टीम को सपोर्ट कीजिए, आपको जर्सी नहीं मिलेगा. सो व्हिच टीम आर यू सपोर्टिंग? टीम Techno. ऑफ कोर्स सो फॉर सपोर्टिंग टीम Techno एंड फॉर गिविंग द राइट आंसर यू गेट वन जर्सी. या कैन यू शो ऑफ योर जर्सी टू द फैंस? साइज है ना मेरा.
वो नहीं पता. कोई बात नहीं. व्हाइल ही इज शोइंग ऑफ योर जर्सी, आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर फैन. हेलो सर. हेलो, व्हाट इज योर नेम? कौस्तुभ. कौस्तुभ, तो क्या लगता है, आर यू फॉर, यू एक्चुअली वर सपोर्टिंग टीम वेनम, तो आफ्टर टीम टेक्नोज स्मैशिंग परफॉर्मेंस क्या लगता है आपको, क्या टीम वेनम अपना जहर फैला पाएगी? यार एक्चुअली मैं बहुत हैप्पी हूँ. इनका आवाज खराब हो गया है मुझे लगता है. मुझे लगता है आज टीम वेनम की साइड से कोई भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. लास्ट ईयर भी हम जीते थे, इस बार वो टीम को पहले से बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा खेलने दिया है. अभी हमारी बारी है बैटिंग की और हम दिखाएंगे बैटिंग कैसे होती है. क्या बात है, ये इसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस. आपको क्या लगता है आपकी टीम से कितनी सेंचुरीज आएगी आज? सेंचुरीज का तो पता नहीं, एक सेंचुरी काफी है. उनके साइड से एक आई, हमारे साइड से एक आई, लेकिन मैच तो हम जीत जाएंगे. आपको लगता है मैच जीत जाएंगे? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? वेरी मच. वेरी कॉन्फिडेंट. आपने पहले बताया था कि टीम वेनम 150 के ऊपर रन बनाएगी. डू यू वांट टू चेंज योर नंबर्स नाउ? अभी तो क्या 150 मैंने बोला था, उन्होंने 231 बोला है, तो वो तो ऑब्वियसली बढ़ गया. हम 235 तक भी पहुंच सकते हैं 6 मार के. अच्छा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू बी विन द मैन ऑफ द मैच? आई थिंक जोनाथन विल बी मैन ऑफ द मैच. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर फैन. हेलो 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 सर, आपका नाम क्या है? गुरु. गुरु, आपका फेवरेट कौन था टीम टेक्नो में से? लोल्स. क्या आप लोल्स की एक्टिंग कर सकते हो? ऐसे मारा, आउट हुआ उसके बाद. छक्के छुड़ाएगी. मुझे पता था, सब पता था ऐसा होने वाला. सब पता था ऐसा. सर डोंट मेक इट साउंड लाइक मैच फिक्स हुआ है. नहीं नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ. आप अंतर, ओके देन, ओके देन, वी हैव सम स्पिरिचुअल प्रेजेंस ओवर हियर, ऑल थैंक्स टू सर. एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू सर. हाय, व्हाट्स योर नेम? यू लुक वेरी टेंस राइट नाउ. क्या आप टीम वेनम के सपोर्टर हो? हाँ, उन्हीं का सपोर्टर हूँ मैं. ये इनकी आंखों में जो है ना खौफ छाया हुआ है, ये दुख के बादल छाए हुए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो क्रॉन्डन की फील्डिंग मैंने थोड़ा देख ली, एक ही जगह खड़ा है भाई, बॉल जा रही है, पैर से रोक रहा है आपको. आप क्रॉन्डन की फील्डिंग से, यू आर क्लियरली वेरी अपसेट बाय क्रॉन्डन्स फील्डिंग. बहुत ज्यादा. क्रॉन्डन ने लास्ट ईयर कैसे फील्डिंग की थी? लास्ट ईयर था ही नहीं, अच्छा हुआ नहीं था. Amazing. तो टीम वेनम से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने रन बनाएगी? रन क्या, वही ना 231 जीत जाएंगे मुझे लग रहा है. पर अगर हार गई तो कितने रन पे हारेगी? नहीं हारेगी नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. ये काफी रोते रोते इन्होंने एक्सेप्ट किया है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बट दिस वॉज, ये जनता का प्रेडिक्शन है, ये जनता का प्यार है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू रोहित अनंगर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच उर्जिता, बड़ा मजा आया यार. एंड इस समय मजे तो टीम टेक्नो का मूड लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अभी अपना रिलैक्स्ड लग रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे, मुझे पॉजिटिव लग रहा है. उनको लग रहा है कि हम तो 6 बॉल में ही पूरी टीम को आउट कर देंगे. लेकिन इस समय अगर लाइनअप की बात करें, हाँ, वेनम तो की. वेनम की टीम की क्या लाइनअप होने वाली है, जैसा कि हम लोग मैदान में देख सकते हैं कि वेनम खुद बैटिंग करने उतरे हैं विली के साथ. लेकिन बैटिंग लाइनअप पर अगर एक नजर डालें, सो लेट्स हैव अ लुक कि इस समय जो चेस कर रहे हैं वही जो मैमथ टोटल, वो किस लाइनअप के साथ कर रहे हैं. एंड पहला, आई थिंक वो अब सस्पेंस ही रहेगा, क्योंकि ओवर के लिए रेडी है. जेडी ने भी इशारा कर दिया है, विली हैड टू ओपन. जेडी के सामने हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर एक लाइनअप आ चुका है, जोनाथन वेनम विली. यहाँ पर थोड़ा सा बदला हो चुका है, क्योंकि जोनाथन आए, उन्होंने अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की स्लॉग हिटिंग की, लेकिन विली लेंगे पहला स्ट्राइक. आपको लगता है ये बैटिंग टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो हमारा MVP है उसको हम बचा के रखते हैं, ताकि जो बॉलिंग टीम है वो अपने बेस्ट बॉलर्स को अप टॉप यूज ना कर ले? ये भी हो सकता है. एंड जिस तरह से ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ उतरे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनकी MVP आउट हो गए तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड बैटिंग लाइनअप आपके स्क्रीन पर, लेकिन इस समय स्क्रीन से बाहर आते हुए गेम मास्टर JD की नजरें हमारी तरफ, कहते हुए कि भाई जल्दी गेम स्टार्ट करो, कल सुबह घर भी जाना है, पनवेल जाना है, पनवेल. तो ऑल राइट, गेम मास्टर JD को कल्याण जाना है. लेकिन इस समय गेम मास्टर JD रेडी हैं, बोलर्स आर रेडी, द बैट्समैन आर रेडी. सो लेट्स बिगिन द सेकंड इनिंग्स. टेक्नो की टीम सेम फील्ड प्लेसमेंट के साथ जाते हुए जो वेनम की टीम गई थी, सिर्फ हमारे सामने जो कैप्टन है टेक्नो, वो बिल्कुल ही हमारे सामने आ गए.
विली कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि गैप्स कहाँ हैं, पूरा ऑफ साइड एकदम खाली पड़ा हुआ है। अगेन अगर फील्डिंग पोजीशन की बात ध्यान रखें थोड़ा, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर जो दोनों टीम्स ने फील्डिंग पोजीशन लगाई, क्योंकि गली क्रिकेट में सबको लेग साइड के रन मारने की आदत होती है ना, तो इसलिए ऑफ साइड पे फील्डर भी कम है। चालू करें? करें सर, करें। टिप्पणी विपणी एनालिसिस सब खत्म? हाँ जी। चलो बढ़िया, चालू करते विद माय काउंटडाउन। गेम मास्टर जेडी थोड़े से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा हुआ उन्होंने इसके बाद हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला। और पहली ही बॉल पर रन आते हुए टेक्नो इस टाइम जिस जोश में ना, मुझे लग रहा है कि वो कवर ड्राइव भी जाएगी तो उधर भी भाग के वो रोक लेंगे चौके को। रेडबुल के साइंड एथलीट हैं, लेकिन इस समय डेफिनेटली टेक्नो हैज विंग्स। बहुत ही बढ़िया दोनों टीम से। मैं यार रोहित आपसे एक बार समझना चाहता हूँ, आप जेडी को कितने टाइम से जानते हैं? जेडी को मैं सवा साल से जानता हूं, लेकिन इस समय सबको चुप कर दिया है विली के इस शानदार छक्के ने, बेंड डाउन करके बॉल को फुल टॉस बनाया। एंड कहीं ना कहीं इस शॉट से पता चल गया कि प्रोफेशनल क्रिकेट का बैकग्राउंड रहा है विली का। ये जेडी ने मुझे रेड कार्ड क्यों दिखाया भाई? आप दूसरे स्पोर्ट में आ गए हो मेरे लिए? बहुत ये ऐसे गुस्से में रहते हैं क्या? गुस्से में, इतने गुस्से में कि कमेंटेटर्स को कह रहे हैं कि बात मत करो। तो इसमें तो मुझे उपन्यों की लाइन याद आ गई कि मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? रेडी विली। और एक और छक्का यहां विली के बल्ले से। अगर किसी ने भी इस टाइम पे यूट्यूब पे स्ट्रीम बंद कर दिया था सोच कर कि 232 तो नहीं बनेंगे, पहली चार बॉल पे ही विली अपना दबदबा दिखाते हुए कि भाई मैच अभी बहुत बाकी है। स्पीकर पे मार दिया, सौरभ ने गाड़ी पे मारा, विली ने स्पीकर पे मारा। और यहां पर साइन लैंग्वेज में कुछ बताया जा रहा है, क्या है एग्जैक्टली उसको डीकोड करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगले बॉल की तरफ चलते हुए एक अच्छी डिलीवरी, कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है विली को थोड़ा पसीने का ग्रिप का दिक्कत आ रहा है, वो बार बार उसको पहुंच रहे। पहली बार ही देखा है कि ग्रिप पे भी ड्यू होती है, जनरली बॉल को पहुंचते हुए देखा है। और ये स्लोअर बॉल, बट विली ने आराम से उसे पढ़ा और ये उन्होंने कोशिश करी कि उनको 10 रन मिल जाए, वो विंडो उसी तरफ है, बट थोड़ा सा मिस हुआ। इसी के साथ इस ओवर में बने हैं करीब 20 रन। यहाँ पर राका जोन ने आखिरी बॉल में कोशिश की कि उनको थोड़ा सा सरप्राइज करे, लेकिन वो स्लोअर डिलीवरी उन्होंने कल रात को ही पढ़ ली थी। एंड सीधा बॉल जो गई है वहां लिखा भी हुआ था गेम ऑन। एंड इस पहले ओवर के बाद तो हम आराम से कह सकते हैं गेम इज ट्रूली ऑन। एंड राइट नाउ टेकिंग ऑन द कैप्टन इज अनदर कैप्टन, इट्स वेनम वर्सेस टेक्नो राइट नाउ फॉर द सेकंड ओवर। ये बदले का मैच है टेक्नो के लिए, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एक अच्छी डिलीवरी, एक अच्छी लेंथ, लेकिन एक सिंगल प्राप्त हुआ यहां पर टीम वेनम को। इसका ये मतलब है कि विली इज बैक ऑन स्ट्राइक। बहुत जबरदस्त स्ट्राइक को रोटेट करते हुए विली बहुत ही क्लियर कट कॉल देते हुए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है जो हमने टेक्नो की टीम में देखा था। देखो ये लोग पहली बार एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और जैसे मैंने बोला था विली ने खूब सारे टिश्यू पेपर मंगवा लिए। कभी कभी आप इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर हो जाते हो ना कि छोटी छोटी चीजें भी आपको तंग कर रही होती हैं। बिल्कुल, वो देखो वेनम को कोई परेशानी नहीं है, क्या ड्यू है, क्या पसीना है। इस समय विली को परेशानी हो रही है बैट के ग्रिप से। समझदार को सिर्फ इशारा ही काफी है। ये आप देखिए किसी भी प्रोफेशनल मैच में कभी नहीं होते हुए देखेंगे कि बैट की ग्रिप को टिश्यू पेपर से लपेटा जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ग्रिप पे एक्स्ट्रा ऑयल लग गया है तो मम्मी वो समोसों से निकाल रही है ताकि बच्चे हमारे ज्यादा फैट ना ले लें। ऑलराइट विली यहां पर मुस्कुराते हुए वापस, लेकिन वेनम के चेहरे पर सिर्फ फोकस है इस समय, वो मैमथ टोटल। ओ यहां पर
टेक्नो की एक और अच्छी डिलीवरी। अरे ये काफी क्लोज, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर निकल रहा है, लेकिन हाइड्रा फ्लिक इसको पकड़ सकते थे, इस चौके को बचा सकते थे। मैं तो कहता हूं अगर मैं होता टेक्नो की जगह, मैं हाइड्रा फ्लिक को कहता तू बाउंड्री पे ही लग जा, कैच तो एक विकेट कीपर के पास गया नहीं, एटलीस्ट 22 के रन तो हम रोक सकते हैं। एक अच्छा प्लान हो सकता है। फोर दिया है, ये आगे बढ़ते हुए, यानी कि अब नो बॉल का कॉल तो होगा नहीं, लेकिन एक फुल टॉस बनाने की यहां पर पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। भाई वेनम इतने लंबे, एक और कदम लेते तो टेक्नो के साथ ही खड़े होते। और ये पहली विकेट, बॉल का बिल्कुल बहुत ही नीचा बाउंस था विली बोलते हुए कि क्या ये डेड बॉल नहीं होनी चाहिए, चेकिंग अलाउड है बट, एंड वो बात करते हुए कि क्या हम डीआरएस लेंगे, ये क्रूशियल मोमेंट हो सकता है। ऑलराइट, डीआरएस ले लिया गया है, यानी कि स्टोन पेपर सीजर्स का एक बढ़िया सा गेम। अब आपको बता दें कि रॉक पेपर सीजर्स में एग्जैक्टली होगा क्या, इसका नाम जेडी वर्सेस विली, पेपर तीन राउंड्स होंगे, जो जीतेगा एक्शन करना है। अगर जेडी जीतते हैं तो विली इज आउट, अगर विली जीतते हैं तो विली वापस बैटिंग कर सकते हैं। यार क्यों खड़े हो दूर इतना, यू हैव टू डिफीट मी टू टाइम्स, इट्स अ बेस्ट ऑफ थ्री, इफ आई विन टू टाइम्स यू हैव टू गो बैक टू द टॉप, ठीक है, लेट्स गो। रूल्स को वापस समझाते हुए, पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, इसका ये मतलब है कि विली हैज टू गो। विली ने जितना टाइम बैट ओवर टिंग करते हुए करा उससे ज्यादा टाइम तो उन्होंने अपनी ग्रिप को सुखाने में लगाया था। बट इसी के साथ उनको वापस जाना पड़ेगा, और एक और चेंज, जॉनथन नहीं आए हैं बैटिंग करने के लिए। करण ने बोला है भाई अगर सौरभ रन बनाएगा तो अपन भी कुछ तो करेंगे। फोकस्ड इंडियन इज ऑन स्ट्राइक नाउ, एंड शायद जॉनथन को बचा के रख रहे हैं क्योंकि ये स्कोर जो है 232 का, ये इट्स अ मैमथ टारगेट। देखिए टेक्नो ने बैटिंग में भी उन्होंने टीम को लीड करा था, और बॉलिंग में भी अपने पहले ओवर में विकेट दिलाते हुए टीम को वापस गेम में ले आए हैं वो। एंड सौरभ अब बॉलिंग करते हुए, इट्स गोना बी सौरभ वर्सेस फोकस्ड इंडियन। शानदार बैटिंग तो दिखाई है इस जनाब ने, लेकिन अब बॉलिंग की बारी है। ओवर चेंज होना, दो ओवर में टेक्नो की टीम की एक और खास बात कि एक वाइड नहीं डाला है, एक नो बॉल नहीं डाला है, 28 रन फिर भी आ गए क्योंकि दो छक्के जड़े थे विली गेमिंग ने। रन रेट है इस समय 25 के ऊपर का, रिक्वायर्ड रन रेट है 25 के ऊपर का, रन रेट तो अभी 14 के अराउंड चल रहा है। ओ यस, और ये सौरभ ने बॉलिंग भी बेहतर डाली, आज सौरभ कुछ भी कर सकते हैं भाई। और यहां पर लगा एक पल के लिए कि एक हाफ चांस है, लेकिन द बॉल वॉज रियली फार, लेकिन अच्छी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग चल रही है इस समय टीम टेक्नो की तरफ से। और ये बॉल हवा में खड़ी कर दी है करण ने, पहली बॉल पे टेक्नो नीचे और ये छूट गई उनसे। आई थिंक करण भी 10 रन की विंडो को टारगेट करते हुए, और सौरभ ये बोल रहे होंगे कि बेटा मैं इस फॉर्म में हूं कि मैं ये भागकर कैच पकड़ लेता। एंड टेक्नो बोल रहे हैं कि अगर अंकित ने कैच मिस किया तो मैं भी कैच मिस करूंगा, ये कैप्टन्स ड्यूटी है। हमारे सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का मारते हुए फोकस्ड इंडियन फुल फोकस में, दो बॉल बाकी, रेडी ऑडियंस में भी फोकस इंडियंस के फैंस आते हुए। और ये मौका लॉल्स के पास एक था छोटा सा मौका, एकदम हमारी आंखों के सामने ये हुआ, लेकिन ऐसे हाफ चांसेस शायद इस समय टीम टेक्नो को लग रहा होगा ठीक है यार बहुत बड़ा टारगेट है, चलेंगे यार चौके छक्के, बट दो दूसरा मौका था एक ही ओवर में, एंड करण की बेहतरीन बैटिंग के साथ इस ओवर में 14 रन बने। विली की विकेट खोने के बाद जरूरी था
कि थोड़े रन बनाए जाए. 3 ओवर में 41 रन, नॉट अ बैड स्टार्ट. एक बड़ा ओवर चाहिए वेनम की टीम को एंड वो रन रेट के बराबर के आ जाएंगे. बिग रिस्क, बिग रिस्क. टेक्नो अपना दूसरा ओवर अभी ही डालते हुए वो चाहते हैं कि वो गेम को खत्म कर दे एक और विकेट चटका के वेनम की टीम की. एक तरह से एक अग्रेसिव गेम प्ले यहां पर टेक्नो दिखाते हुए. तो फिर रन अप ले ले सकते, एक स्टेप बस. और शुरुआत एक वाइड के साथ, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर हाइड्रा फ्लिक की तरफ से. एक तरह से अच्छा डिसिप्लिन यहां पर दिखाना होगा कि वाइड हो लेकिन बाइज ना हो. लेकिन ऐसी अगर आप शॉर्ट डिलीवरीज करेंगे तो उसको अच्छी तरह प्लेस करके सिंगल्स या रन्स मिलते रहेंगे आपको. लेकिन ऑल इन ऑल डिसिप्लिन बोलिंग बहुत ही. एक ही वाइड डली है सिर्फ और दूसरी विकेट जिसके लिए टेक्नो अपने आप को लेकर आए थे. कैप्टन कैप्टन को आउट करते हुए बैक फुट पे गए वेनम एंड चटका दिया टेक्नो ने उन्हें. इसका बोल्ड, इसका ये मतलब है कि जोनाथन अब स्ट्राइक लेंगे. तो चैट बॉक्स पर एक बार जितना प्यार आप जोनाथन को इन जनरल दिखाते हैं एक बार चैट बॉक्स पर दिखा दीजिए, क्योंकि अब जोनाथन को इन्होंने रिजर्व करके रखा था इस मौके के लिए, इस मोमेंट के लिए. क्योंकि अब टीम एक तरह से ट्रिकी सिचुएशन में है. टारगेट है 233 का, रन रेट है इस समय रिक्वायर्ड रन रेट 25 के ऊपर पहुंच चुका है. यानी कि हर एक ओवर को एक जायंट ओवर होना पड़ेगा. लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा झटका टीम वेनम को. फर्स्ट बॉल जोनाथन इज आउट. बहुत बड़ा ट्विस्ट कहानी में. यह पूरा का पूरा टारगेट का प्रेशर. पहली बॉल ही आते सीधा छक्का मारने की कोशिश, थोड़ा आराम से खेल सकते थे. और जोनाथन ये बोलते हुए कि अरे यार डीआरएस क्यों नहीं है, मैं कह रहा था मुझे ओपनिंग पे भेजो. बिल्कुल उनका मन नहीं है वापस जाने का. एंड टेक्नो की क्या ब्रिलियंट कॉल चल रही है यार. एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर टेक्नो राइट नाउ. टीम का मूड, टीम का माहौल बहुत ही शानदार है. समय टेक्नो तो मुझे लग रहा है इतनी जल्दी मैच खत्म कर दिया कि एक 3-3 ओवर का हम और खेल सकते हैं. हम लोग खेलते थे ना गली क्रिकेट में कि चल यार अंधेरा हो गया लेकिन एक निकाल सकते हैं 3 ओवर का. वो तो अभी भी चलता है भाई कि टर्फ बुक कर रखी है, टाइम है, एक एक ओवर का भी खेल लेते लेकिन यहां पर एक गेम मास्टर जेडी ने बोला था हैंडलिंग द बॉल वाइल प्लेइंग एक रूल है, लेकिन उसका कॉल यहां पर नकार दिया जेडी ने. और इसको अच्छी तरह प्लेस करते हुए एक चौका मिला है थोड़ी शांति के बाद. एक बाउंड्री की राहत टीम वेनम को. टीम वेनम का डगआउट देखे तो थोड़े तो निराश बैठे हुए, पर अभी निराश बैठने का टाइम नहीं. अभी टाइम है अपने प्लेयर्स को एनकरेज करने का, चीयर करने का, शाउट करने का. और ये तीसरी विकेट बाय टीम टेक्नो. कमेंटेटर कर्स दोबारा काम करते हुए. 2 ओवर में 4th विकेट टेक्नो के लिए. और आपको बता दें कि यहां पर 11 खिलाड़ी नहीं है, मात्र 7 खिलाड़ी हैं. यानी कि टू विन दिस गेम टीम टेक्नो को बस 2 और विकेट्स निकालने हैं. 2 more विकेट्स एंड द गेम इज theirs. एंड मीजो कह रही थी कि वो चाहती नहीं उनकी बैटिंग आए, बट लगता है उनकी बैटिंग बहुत जल्द आने वाली है. और मैं वेनम की जगह होता मैं डिक्लेयर करके बोलता है कि एक और 3-3 ओवर का ही खेल लो यार. मैं तो हूं यहां पर. जाया आ चुकी है. जाया चेक करने वाले ने पिछले रेड बुल शोडाउन में 2 विकेट्स लिया था. शी वाज ऑन अ हैट्रिक. एंड यहां पर फोकस्ड इंडियन डॉबी को कुछ समझाते हुए कि यार कुछ करना पड़ेगा, तू टिकी रहे, मैं बाकी संभाल लूंगा. बिकॉज एक तरह से यहां पर जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा हुआ है फोकस्ड इंडियन को, यहां पर बस एक स्ट्राइक मिलने की देर ही है. आई थिंक स्ट्राइक पे फोकस इंडियन को जाना है. फिर से ये कंफ्यूजन हो गया है टीम में. स्क्वायर लेके अंपायर पॉइंट करते हुए जेडी फोकस्ड इंडियन जाएंगे उधर. एंड डोबी को तो मुझे लगता है कि विकेट लेने के लिए आपको बॉल डालने की जरूरत ही नहीं है. कोई भी ऑपोजिशन टीम का प्लेयर अपनी सॉक्स देते हुए वैसे अपनी विकेट देके चले जाएंगे. रेडी. बहुत
ही बढ़िया शॉट, अ पावरफुल शॉट, एंड दैट्स अ सिक्स बाय फोकस इंडियन। तो काफी उम्मीदें इस समय करण के कंधों पर। करण को वही करना पड़ेगा जो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट करा था, अकेले ही 200 रन की पारी खेलनी पड़ेगी बिल्कुल टीम को जिताने के लिए। थोड़ा एनकरेजमेंट आते हुए वेनम की टीम से। जाया की अगर बात करें तो उनकी पिच की जो लेंथ, बॉलिंग की लेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग है, बेहतरीन फुटबॉल की तरह फील करते हुए। भाई टेक्नो और सौरभ अलग ही है, उनको भेज दो यार आईपीएल में। फुल डेडिकेशन के साथ यहां पर फील्डिंग दिखाई है टेक्नो ने, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट राइट नाउ। एंड एक लूज बॉल, शायद डेड बॉल का इशारा करेंगे गेम मास्टर जेडी। फोकस, जेडी सर ने एक अलग ही रूल निकाला है, नो बॉल होनी चाहिए, दो बॉल का टिप्पा पड़ा है। लेकिन गेम मास्टर जेडी से कौन बहस करे, मैं तो कर ही नहीं सकता, रेड कार्ड एक मिल चुका है मुझे। डेड बॉल, नो रन, डेड बॉल, आई कॉल्ड इट बिफोर यू गाइस, डेड बॉल पेनल्टी ना आपकी टीम को दी थी ना इनको। साक्षी को आगे भेज दिया गया है कैचिंग पोजीशन पे सारी टीम आते हुए कि हम एक सिंगल नहीं देंगे। टीम टेक्नो इज कंप्लीटली ऑन द बॉल, अब इंतजार है गेम मास्टर जेडी इसका क्या सिग्नल देंगे। डेड बॉल है, सुनो टू टिप्स डेड है, रन मत लो, टू टिप्स डेड, हाँ टू टिप्स डेड। यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर दो टप्पों में बॉल आती है तो वो डेड बॉल करार दिया जाएगा। ये बॉल टप्पा तो एक ही पड़ा लेकिन एक दूसरे पिच पर, दिशा गलत हो गई, टिप्पे सही थे बट दिशा थोड़ी सी गलत। एक और डेड बॉल शायद, जेडी थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए। और ये यहां पर बॉल को उठाया है लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, लॉल्स ने हंसते हंसते ये कैच पकड़ा है। मैं बैटिंग टीम को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मिड इनिंग्स में उनके पास मौके होते हैं कुछ रन ऐड करने के, अगर वो सही प्रश्न का उत्तर दे दें तो, तब तक तो गेम को लेके जाए हो यार। मैं तो कहता हूं अब एक रन की जगह उनको 25 रन दे देते हैं हम तब जाके थोड़ा सा क्लोज मैच हो जाए। लेकिन इस समय बहुत सारी चीजें चल रही होंगी टीम वेनम के जहन में, क्योंकि पांचवा ओवर 3 गेंदों में खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट दिया है टीम टेक्नो ने, सिर्फ 2 और खिलाड़ी बचते हैं, यानी कि एक और विकेट बचता है, तो लॉट गोइंग ऑन इन द हेड्स। 55 for 5, क्या जेडी सर नेल्सन की तरह खड़े होंगे एक पैर ऊपर करके, नेल्सन स्कोर बोलते हैं इसको जब सेम रन पे आ जाता है सब कुछ। मीजो की एक ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई वो नहीं चाहती थी कि वो बैटिंग करे आज, लेकिन बैटिंग आज करना पड़ा। तीन बची। मुझे सुनाई दिया करण ने बोलते हुए, भागना बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हो सकता है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकले, क्योंकि वाइड्स यहां पर थोड़े से जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 150 वाइड डालना तो मुश्किल है, यू नो 10-12 वाइड में फिर भी मान सकता हूं हमें अब यहां प्रेडिक्शन लेना चाहिए, यू नो रोहित। और यहां पर क्या क्रिकेट के साथ फुटबॉल हुआ, लाइक पिछला वाला गेम तो आप जीत गए, आपने 190 बोला, मैंने 189 बोला, स्कोर बना 232, आपको क्या लग रहा है अब कितना स्कोर बनेगा? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वाइड्स चल रही हैं, अब 149 और वाइड्स अगर हो जाएं तो यहां पर प्रिडिक्शन की अगर बात करें अंगद, मुझे लग रहा है कि अगर फोकस्ड इंडियन एक बहुत ही बढ़िया मैक्सवेल वाली पारी खेले तो फिर ये 150 के पास जा सकता है, लेकिन अगर यहां पर इस तरह चलता रहा तो रियलिस्टिक बताओ आप, बहुत 70-80 पे आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं 90 के पास, 90। आई विल गो विद 75, बट आई प्रीटी श्योर मीजो को अच्छा लग रहा होगा कि अकेली मैं नहीं हूं जिसने वाइट डाली है, इवन जाया का जो
स्कोर कार्ड है वो सेकंड रो तक जा चुका है। जाया यहाँ पर ओवरों के साथ वक्त जाया करते हुए। जेडी बेचारे खुद परेशान होते हुए कह रहे मैं और डेड बॉल नहीं दे रहा इसे, ये वाइड है, और वो हाथ को बांधते हुए उनको एक शोल्डर मसाज की सख्त जरूरत इस समय। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है मिजो ने, गैप ढूंढा है और इसी के साथ एक चौका ढूंढा है अपनी टीम के लिए। एक काम करो 65 पे पहुंच गए और ये ओवर भी खत्म हुआ जाया का इस चौके के साथ। फोकस भाई पक्का आज ग्राफिक्स टीम में एक इंसान तो होगा बोलेगा मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए इसके। बट आपको पता है क्या मौका आ गया है, ड्रिंक्स ब्रेक का मौका आ गया है, जिस पे आई थिंक टेक्नो की टीम ने तो मना ही कर दिया कि अभी तो हमारा पसीना निकला ही नहीं, हमें ड्रिंक क्या चाहिए। बट जो करण और मीजो है वो जा रहे हैं अपने डगआउट पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। मुझे लगता है उनको डगआउट से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए। हां सबसे ज्यादा मतलब मीजो ने ऑलरेडी सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर तो हो गई होगी अपनी टीम के साथ, एक चौके के साथ, और उस शॉट ने एक उम्मीद जगाई होगी टीम के अंदर जी। बट अभी मौके हैं कि वो मिड इनिंग्स में भी थोड़े और रन स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एकदम हंसते खेलते टीम टेक्नो जा रही अपने डगआउट की तरफ, और क्यों ना हो इस समय टीम का ये माहौल, एक तरह से काफी प्रेशर था। हमने काफी बात भी की अबाउट टीम टेक्नोज डिफीट, मैंने एक मिनट में 7 बार उसका जिक्र किया, लेकिन आज जिस तरह से टीम टेक्नो ने परफॉर्म किया है दे हैव एक्चुअली प्रूवन देमसेल्व्स। काफ़ी अच्छी तरह बैटिंग की, ऑफकोर्स सिंगल हैंडेडली सौरभ ने एक इनिंग्स खेली, लेकिन ऐसा कभी लगे नहीं कि दे वर इन ट्रबल। बट दूसरी तरफ वेनम टीम सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल में लगी है बॉलिंग करते वक्त बैटिंग करते हुए। बट अभी उनके पास एक और मौका है कुछ रन बनाने का। उर्जिता उनके डगआउट पे है कुछ सवाल लेके, ओवर टू यू उर्जिता। हेलो एंड वेलकम बैक, विथ मी आई हैव टीम वेनन जो कि थोड़े से मायूस दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए, यू हैव अनदर चांस टू विन एटलीस्ट 5 runs। आर यू गाइस रेडी, आर यू गाइस रेडी? यस यस यस। तो सब लोग, कैन आई गेट ऑल द टीम मेंबर्स ओवर हियर? या ऑल द टीम मेंबर्स ओवर हियर? या सो आई एम गोइंग टू प्ले अ स्मॉल गेम विथ यू, इट इज़ कॉल्ड द रैपिड फायर गेम। इसमें मैं आपको इजी इजी सवाल पूछूंगी, डोंट पीक। इसमें मैं आपको इजी इजी सवाल पूछूंगी, एंड इफ यू नो द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड्स, एंड एनी ऑफ यू आप बताएंगे कि इनमें से कौन जवाब देगा। ओके या आर यू रेडी? आई आर रेडी। ऑफकोर्स नॉट, फिर हाथ रेस करने का फायदा क्या है? ये आप कैसे कैसे सवाल पूछ रही है? तो इट्स लाइक आस्किंग कि अरे टीम टेक्नो जीत रही है तो उनका हिस्सा बन सकते हैं क्या? अभी ऐसे थोड़ी ना चलता है। ओके आई एम गोइंग टू स्टार्ट द गेम नाउ। ओके फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम वेनन, ओडीआईज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज कौन से प्लेयर की है? यू हैव टू रेज योर हैंड। या नो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड एनी मोर जस्ट बिकॉज यू आंसर्ड। परेश रावल के कैरेक्टर का नाम क्या था? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। करण, परफेक्ट परफेक्ट। या सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द आंसर? बाबूराव गणपतराव आपटे। कैन यू प्लीज मिमिक हिम? बाबूराव गणपतराव आपटे। परफेक्ट परफेक्ट, यू गेट वन रन, यू गेट वन रन। नहीं नहीं, मेरे हाथ में अगर होता तो मैं दे भी देती। आई एम सॉरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ओके ओके देन, ये थोड़ा अंपायर की तरफ लीन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है आपका, ये प्लीज। ओके देन, टाइम फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन। मोहम्मद शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितने विकेट्स लिए थे? यस, 7। दैट्स राइट, वी हैव अनदर रन, वी हैव अनदर रन फॉर टीम वेनम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम क्या था? रेज योर हैंड्स। शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम इन ब्रह्मास्त्र? नो अंपायर। नाम क्या था, नाम क्या था उनका, नाम क्या था? ये सब कौन पूछता है? क्रिकेट मैच खेलना है, क्रिकेट पूछो। ब्रह्मास्त्र में वो नॉट इंटरेस्टिंग बॉलीवुड, तो सारे सोच के बोलना। नहीं नहीं नहीं,
ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम क्या था? आई कैन गिव यू अ हिंट, आई कैन गिव यू अ हिंट इफ आवर अंपायर अलाउज मी टू. उनका ये जो कैरेक्टर का नाम है, दैट नेम इज बोरोड फ्रॉम अनदर पॉपुलर फिल्म ऑफ शाहरुख खान दैट वॉज रिलीज लॉन्ग टाइम अगो. दैट फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर. नाम आप ये आंसर दे रहे हैं? दिस इज दैट्स अ वेरी बिग हिंट, दैट्स अ वेरी बिग हिंट. दिस फिल्म वॉज नॉट अ बॉक्स ऑफिस हिट बट इट इज अ वेरी वेरी आइकॉनिक फिल्म. यू नीड टू नेम द कैरेक्टर, यू नीड टू नो. यू कांट डिस्कस, यू कांट डिस्कस. इधर आ जा, यू हैव टू पॉइंट आउट, बट ओके ओके, आई विल गिव इट टू देम. मोहन भार्गव. परफेक्ट, यू गेट अनदर रन, यू गेट अनदर रन, यू गेट अनदर रन. नाउ And now, we are down to another question. ICSE board ka full form kya hai? Raise your hands. ICSE board ka full form kya hai? ICSE. Abhi mere ko pata tha, mere ko do din pe. Last wale do pata hai mujhe, pehle do kisko pata hai? Last wale do mere ko pata. ICSE board ka full form. Indian Council of Secondary Education. Indian pata hai. International. Indian Academy. एक सेकेंड, एक चूज कर, उसको आंसर देने दे. या पिक वन. इंडियन, वेट, आईसीएसई, इंडियन काउंसलर सेकेंडरी एजुकेशन. बहुत ही गलत जवाब है आपका, कोई बात नहीं, यू डोंट गेट दिस रन. यू गेट अनदर ट्राई, यू गेट अनदर क्वेश्चन. और कौन से एक वर्ड का हिंट चाहिए वो पूछ लो, बता देगा. सी बता दो क्या. ओके, सी के लिए अभी, इट इज समथिंग दैट यू गेट इफ यू विन अ कॉम्पिटिशन. एक एक कैप्टन, यू हैव टू टेल मी, मैं किन का आंसर सुनूं? यू हैव टू टेल मी. यू हैव टू टेल मी कैप्टन, इट्स इन योर हैंड्स. नहीं नहीं, डॉबी आंसर करिए. मुझे बस एक ही आंसर चाहिए गाइस. इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन. परफेक्ट, यू हैव अनदर रन, अनदर रन. एंड नाउ यू गेट अनदर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन. ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. मैं अभी आपको एक हिंदी फिल्म का टाइटल इंग्लिश में बताऊंगी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी, एंड यू हैव टू टेल मी विच हिंदी फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट. समटाइम्स हैप्पी, समटाइम्स सैड. कभी खुशी कभी गम. परफेक्ट, परफेक्ट, यू गेट 5 runs, यू गेट 5 runs. कांग्रेचुलेशंस टीम वेनम, कांग्रेचुलेशंस टीम वेनम. आपने कहीं पे तो टीम टेक्नो का हराया, दैट इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, वेरी ग्रेट. बैक टू यू रोहित एंड अंगद. थैंक यू सो मच उर्जिता. एंड जिस तरह से उर्जिता ने यहाँ पर गेम्स खिलवाए, सवाल पूछे, रन्स दिए, ये शायद टीम वेनम के साथ आपको 150 बार और करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फायदा होगा. या हर क्वेश्चन के 20 रन दे दो, मतलब 5 के 5 रन मिल गए वेनम टीम को, उनके ऑलमोस्ट 8% रन और एड हो गए. आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो. इस पॉइंट पे उनके 100 हो गए थे टेक्नो टीम के, बट प्रॉब्लम इज विकेट बहुत खो चुके हैं वेनम. बिल्कुल, एक आखिरी विकेट, एक आखिरी उम्मीद है फोकस्ड इंडियन के कंधे पर, क्योंकि इस समय जो 33 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि एवरी अदर रिमेनिंग ओवर 30 बॉलों में अब सिर्फ हवाई यात्रा देनी पड़ेगी आपको हर गेंद को. मुझे लगता है एक तो पावर ओवर लो और उस पर कोशिश करो जो 10 रन वाला बोर्ड है उस पर 6 की 6 बॉलें लगे. तो 120 रन, दैट इज द ओनली वे दे कैन मेक इट थ्रू. आप देखो क्रिकेट तो हो गया, क्रिकेट में हमें समझ में आ रहा है कि टेक्नो की टीम जीत रही है, बहुत बढ़िया खेल रही है, माशाल्लाह एकदम वाह वाह वाह. बट आप कंटेंट वाइज बताओ कि आप क्या करें कि ये मैच को हम इंटरेस्टिंग बना सके. देखो इंटरेस्टिंग तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि घर जाते ही सौरभ इस फुटेज का एक रील बनाएंगे. हाँ जी, सेंचुरी उन्होंने अपने सपनों में बोला था, नहीं मेरा एक सपना है कि ऐसे ऐसे मंच पर सेंचुरी बनाओ, तो वो तो बन ही चुका है, दैट्स द मोमेंट आई बिलीव. लेकिन आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल यह था इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए. हाँ, इस मैच को इसको इंटरेस्टिंग 5 ओवर में 74-5 एंड 232 बनाने. अब मुझे लग रहा है इस ओवर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहां पर आ चुकी हैं बोलिंग कराने साक्षी एंड फोकस्ड इंडियन, जो अभी इन फॉर्म बैट्समैन है, 7 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं, 300 की स्ट्राइक रेट है, वो कुछ कर सकते हैं शायद इस ओवर में. मेरा तो ये मानना है कि एक विकेट और गिरती है
तो टेक्नो जी हमारी तरफ ही है, मैं उनसे ही बात करता हूँ। टेक्नो जी सुनो ना, टेक्नो भाई वो एकदम ही फोकस्ड है गेम पे, एक अपना बैटर भी दे दो ना उनको, अपना एक बैटर दे दो उनको एक विकेट गिरने के बाद। अच्छा कह रहे हैं थोड़े रन हम मारने दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एक दे देना चाहिए जस्ट टू सी वेदर दे कैन स्टिल चेज इट और नॉट। गेम खेलना है ना, क्रिकेट खेलना है ना? हाँ हाँ तो खेलो ना। बिल्कुल सही, मेरे मुंह से खेलते हो क्या? पावर ओवर लिया है इस बार टीम रेड ने, पावर ओवर लिया है टीम रेड ने। हम लोगों को बता दे जितने रन बनेंगे वो डबल हो जाएंगे इस पे, लेकिन अगर विकेट खोई तो -5, और विकेट खोते ही वैसे वेनम की टीम ऑल आउट हो जाएगी अंटिल एंड अनलेस टेक्नो भाई उनको एक और बैटिंग का मौका दे। और एक वाइड के साथ शुरुआत पावर ओवर की, यानी कि दो रन मिलेंगे इस वाइड के, और ये रन एंड में ऐड होंगे, तो अभी आप स्कोर कार्ड को देख के कंफ्यूज मत होना जितने लोग अपने घर पे बैठ के इस मैच को देख रहे हैं। और ये एक फुल टॉस लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, सीधा सौरभ के हाथों में, एंड सौरभ मस्ती मारते हुए कि बॉल उनसे उठ नहीं रही ताकि करण एक सिंगल ले लें, बट करण को भी पता है कि सौरभ क्या ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। अभी मीजो को यहां पर एक तरह से कमिंस का रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये कैच है, और लेकिन ये तो ड्रॉप है शायद यहां पर इस समय। मैं आपको बताऊं राका ने सिर्फ कंटेंट के लिए कैच ड्रॉप करा है, अदरवाइज वो पकड़ लेते हैं। राका को अभी घर नहीं जाना है तुरंत, वो कह रहे हैं ट्रैफिक बहुत मिलेगा वापस जाते वक्त, पीक आवर है इस समय फ्राइडे। और ये हमारी तरफ बॉल आई और ये तो बहुत ही शानदार चौका एकदम करारा। So everything boils down to how focused Indian plays this innings. मैं तो एक और request करता हूँ, बाकी overs ही power over करवा दो यार। और एक और करारा shot, लेकिन सौरभ ने भागते हुए इसको अच्छी तरह पकड़ा। Single की यहाँ पर गुंजाइश होने नहीं वाली, unless it's the fifth ball of the over. And बोलना पड़ेगा साक्षी बहुत बेहतरीन bowling करते हुए, वो bend करके ensure कर रही है कि ज़्यादा height ना मिले, और सौरभ की fielding हमने देखा उनको practice करते वक्त, एक बॉल को नहीं जाने दे रहे, वो एक पूरा एरिया कवर कर रहे हैं बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ फील्डिंग के साथ। सौरभ हैज बीन ऑन फायर, लेकिन ये वाइड बॉल, लेकिन क्या ये चौका होगा? नहीं, और रन तो यहां पर नहीं लेंगे फोकस्ड इंडियन, लेकिन यहां पर ले सकते थे क्योंकि दो रन मिल सकते थे, बट उनको लगा वाइड तो आई गई तो दो रन वैसे ही ऐड हो गए, लेकिन अब शायद सिंगल लेने की गुंजाइश होगी। और ये सिंगल बहुत ही आराम से, यानी कि फोकस्ड इंडियन रखेंगे अपने पास ये स्ट्राइक। बहुत ही बेहतरीन ओवर साक्षी का, सिर्फ 7 रन आए, पावर ओवर था तो उसके बाद भी सिर्फ 14 रन मिलेंगे। मैं एक और रिक्वेस्ट यू बोलिंग टेक्नो को करते हुए, टेक्नो भाई इधर 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 सारे पावर ओवर करवा दो ना, किस तरह? अरे जाने दो ना यार मैच। अच्छा अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई पिछले साल का मुझे बहुत सुनाया गया है, तो एक साल अब मैं भी सुनाऊंगा, फॉलो ऑन के साथ हराना चाहते हैं बेसिकली। और ये एक गैप में चौका मारा है बहुत ही बेहतरीन, फोकस्ड इंडियन काफी फोकस में, 30 रन बना चुके हैं 14 गेंदों में, क्लियरली पेस को एंजॉय करते हुए वो। और एक और छक्का, आफ्टर अ लॉन्ग गैप फेस कंट्रोल, जेडी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। ये अगर राका ने पकड़ लिया होता तो मैं तो रो ही पड़ता, जितने कैच ड्रॉप होते हुए देखे हैं, ये कैच पकड़ते हुए तो मैं नहीं सो सकता था कोई पकड़ पाएगा। उसका रीप्ले में 150 बार देखता कम से कम। और एक और ग्लाइड करते हुए चौका मिला है इनको, तो यहां पर हाइड्रा फ्लिक का थोड़ा सा महंगा ओवर जाते हुए 100 रन के पास करण अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले आए हैं, शायद पावर ओवर अब लेना चाहिए था। मुझे याद है अपने प्रिडिक्शंस जो हमने किए थे, और ये सीधा हाथ में, एंड इसी के साथ ये मैच हुआ समाप्त, ये चैलेंज हुआ समाप्त, ये रिवेंज हुआ समाप्त। टेक्नो चाहते थे यही रिजल्ट मिले,
एंड टेक्नो को वही रिजल्ट मिला। अनफॉर्चुनेटली विकेट्स तीनों अटैच्ड हैं, इसलिए वो एक विकेट घर नहीं ले जा पाएंगे। और मैं वो देख रहा हूँ कि राका ने कंटेंट के लिए दो कैच ड्रॉप कर दिए, बट उन्होंने कहा ये ज्यादा हो रहा भाई, 100 रन हम पूरे नहीं होने दे सकते, और उन्होंने फाइनल एक कैच पकड़ लिया। लेकिन अब हिसाब हुआ बराबर, जितना ट्रोल किया गया, जितना सुनने को मिला टेक्नो को, अब टेक्नो गेमर्स ने अपना बदला ले लिया है एंड जीत चुके हैं ये पर्टिकुलर गेम ऑफ द रेड बुल शोडाउन। लास्ट ईयर जीते थे वेनम विद अ ह्यूज मार्जिन एंड इस बार हिसाब बराबर किया टेक्नो ने, जीता विद अ ह्यूज मार्जिन। चलो हम विनिंग टीम की तरफ ही चलते हैं, हम यहां पर क्या करें, हम भी उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बेस्ट बैटर का अवार्ड तो मेरे हिसाब से सौरभ को जाता है, बॉलर का अवार्ड आप किसको देना चाहेंगे? टेक्नो जिन्होंने 4 विकेट ली, टेक्नो एक ही बैट्समैन क्या? एक सेकंड, राका जी के पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है? हाँ जी बताइए। पूरी टीम सौरभ से ही हार गई। हाँ हाँ, आराम से आराम से। इनफैक्ट वेनम ने बोला था कि 110 120 में रोक लेंगे आपको, 5 ओवर का बोला होगा उन्होंने। नहीं नहीं, आई थिंक उनका मतलब था हम सौरभ को 105 पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो 105 में सौरभ को भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस समय बढ़िया रहा सौरभ भी यहाँ पर। सौरभ, रेडबुल मिला कि नहीं? मिला मिला, रेडबुल मिला, फाइनली मिला, और उसके वजह से टीम भी जीत गई। मतलब बट तो, आपका मन नहीं कर रहा है एक 3-3 ओवर को और खेलने का? 10 ओवर का बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके पास जगह बहुत टाइम तक है, और इसमें जब पता है ये तो मैं बोला एक और 5 ओवर का तो हो ही सकता है। हाँ, अभी तो आपका मन करेगा कि बिडिंग में ऑक्शन में लेके जाओ जो 19 दिसंबर को हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो टीम से भी खेलूँ तो कैसा लेवल सीरीज हो जाएगा। अभी वो आपको बीच का पिच्छू बनना है। वेनम ने बोला था कि 105 में रोकने की कोशिश करेंगे, फिर हमें बाद में बताया राका ने कि तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वो 105 में, पर वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने 107 मारा। बट एक बात तो बताओ कि आप और करण इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब वापस जाएंगे तो कितना शो ऑफ आप करने वाले, कितने टाइम तक आप करण को इस बात पर सुनाने वाले हो? मैं देखो, हम दोस्त ही है वैसे देखा जाए तो, बट उसने मेरी कैच छोड़ी तो मैं उसको सुनाऊंगा नहीं। आई एम गोइंग टू थैंक हिम फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि उसकी वजह से मेरी सेंचुरी हुई, और मतलब सब फैंस भी मतलब देख रहे हैं कि, तो बाद में वो ही UPI UPI मैं बोलने ही वाला था कि कुछ पेमेंट की बात हो रखी है, कल जीपे कर दूंगा मैं उसको। लेकिन यार बीच में जब एक तरह से फोकस्ड इंडियन पे बहुत सारा प्रेशर था करण पे, तो तुम्हें लगा था कि वो मैक्सवेल वाली पारी खेल पाएगा, या तुम्हें पता है कि फोकस्ड इंडियन का गेम प्ले क्या है, कि तुम्हें पता था कि नहीं होने वाला? मुझे फुल कॉन्फिडेंस था उस पे कि वो नहीं जीता पाएगा, क्योंकि खेल सकता है वो, खेल पाता वो एक टाइम तक, हाय हाय तारीफ ही कर रहा हूँ तेरी, कुछ नहीं। आ रहा इधर, इधर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि करण कर सकता था, फुल कॉन्फिडेंस था मुझे कि वो जीता सकता था मैच, और बट अफसोस कि उसने, मैं कब से वेट कर रहा था कि मेरे हाथ में कैच दे, मैं भी छोड़ू तो कैसा हिसाब भरा होगा। एक इतनी बॉल उसने वहां भेजी, एक नहीं छोड़ी चौके के लिए आपने। हाँ, वो कैच कैच, मैं बोल एक कैच आता मैं छोड़ता, वरना अभी लाइफ टाइम मुझे सुनाएगा मैं छोड़ा इसलिए तेरा सेंचुरी हुआ। बट ठीक है, जीत गए। अब करण भाई आप बताओ, जो आपके मित्र सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, दिल में सिर्फ खुशी आ रही थी या थोड़ा तो आ रहा था कि सेंचुरी कैसे मार गया यार? नहीं, जब भी मैं, क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहा था ना, तो बॉल इतना इजी आ रहा था ना कि मैं उसको बोला भी कि एक मिनट बैट मेरे को देगा, मेरे को मारने का मन कर रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे बॉल्स तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बट नहीं यार, अच्छा, वो बहुत अच्छा खेला एंड वो अच्छा खेलता है, ही इज आर गुरु, सो आई मीन ही इज आर रोहित शर्मा एंड रोहित शर्मा डजंट गेट आउट एज अ कप टू। यस, नाउ एक और कप ऐड होने वाला है आज। तो पर आपको क्या लग रहा था जब आप अकेले बचे थे बैटिंग करने के लिए, अंदर से ऐसे फील है कि मैं मैक्सवेल बनता हूँ? आप उसको बोल रहे थे कि तू पैट कमिंग्स बन और अपन चेस करते हैं? वो मैंने बोला उसको, बाद में मैंने एक बार स्कोर देखा और मैंने बोला कि हर बॉल में भी 6 मारूँ तो भी नहीं होने वाला है, बट स्टिल मैंने बोला कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे आके छोड़ देते तो मेरी टीम को ज़्यादा बुरा ना लगे, एंड वी डिड वेरी वेल। तो एक पार्टनरशिप हो जाती है अच्छी वाली किसी के साथ भी, तो हो जाता। आई थिंक दैट टेक्नो का सेकेंड ओवर वॉज द गेम चेंजर। Actually, it was Sakshi. She changed the game. उसका एक ओवर पावर प्ले आई थिंक यू नो कि हो जाता था कुछ तो, बट शी बोल्ड वेरी वेल। लेकिन एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिला है एंड जिस तरह से आपने वो रिस्पेक्ट को इंटैक्ट किया अपनी टीम के लिए, एक बार देख लेते हैं कि इस समय आपकी इनिंग्स का हाईलाइट्स, लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट रियली हैपेंड। ज्यादा कुछ हमें आतिशबाजी देखने को नहीं मिली, उम्मीद थी 15 सेकंड का रील होगा। सेम बोल रहा लेकिन एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगी ना इसमें। ये बस वो शुरुआत के कुछ छक्के लगे थे जो हमें लगा कि एक बेहतरीन चेज देखने को मिल सकता है,
एंड कहीं ना कहीं जो जॉनाथन का विकेट था वो एक फैक्टर था, क्योंकि उम्मीदें काफी थी जॉनाथन से एमवीपी ऑफ द लास्ट सीजन. जेडी ने अपने हाथ ज्यादा फैलाए नहीं, वाइड्स के लिए फैलाए, छक्कों के लिए ज्यादा फैला नहीं पाए वो. बीच बीच में हमें चौके भी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल इट वॉज कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ टेक्नो गेमर्स. बैक टू बैक विकेट्स देखने को मिले, लेकिन जब सौरभ बैटिंग कर रहे थे बैक टू बैक छक्के देखने को मिले. करण, जब हमारे को बैटिंग ऑर्डर दिया गया तो जॉनाथन ओपनिंग में नाम डाला हुआ था, तो क्योंकि टीम का स्ट्रैटेजी था कि उनको नीचे भेजेंगे हम? नहीं, वो स्ट्रैटेजी हमारी थी कि विली अच्छा खेलेगा और अंकित उसको सपोर्ट करेगा, बट वो नहीं हो पाया, तो वो एक ट्रिक थी, शायद चल जाती तो अच्छा हो जाता. हाँ, बैक फायर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. बैक टू बैक दो विकेट ली टेक्नो ने, एंड दैट ओवर जो उन्होंने सेकेंड ओवर डाला, दैट वॉज द गेम चेंजिंग ओवर. लेकिन सौरभ, ये बताओ, जब इनिंग्स खत्म हुई, ऑफकोर्स सेलिब्रेशन हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन हुई, आपको बोला कि बहुत बढ़िया खेले, लेकिन फील्डिंग पे उतरने से पहले कैप्टन ने क्या बोला, टीम में डिस्कशन क्या हुई? देखो, हम एक ही चीज़ पे थे कि बहुत बड़ा टोटल है सामने, बहुत ही बड़ा टोटल है, तो इतना प्रेशर मत लो कि गए रन, 20 रन गए, 30 रन गए ओवर में चलेगा, क्योंकि दो ओवर अच्छे आने वाले, जिसमें जैसे टेक्नो ने ओवर्स डाले, कि विली ही हम लोग का मेन ये था कि अगर विली जल्दी आउट हो तो पूरा खतरा जो है वो जाने ही वाला था. सो वो एक रिस्क था. जैसे विली आउट हो गया, मैंने तो मन में बोल दिया था कि 150 तो जाएंगे, लेकिन जीतने तो हम ही वाले. उधर ही मैं तो जीत गया था वहाँ पर. लेकिन मज़ा आया रेडबुल यहाँ पर खेलते हुए. ऑफकोर्स यू पुट योर बेस्ट गेम ऑन फॉर द रेडबुल शोडाउन. पहली बार खेल रहे हो यहाँ पर अपनी टीम के लिए, हाउ वॉज द होल एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा, तो मैं जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई रियली एन्जॉयड बैटिंग. और जब मैं वापस आया डगआउट में, मेरे दिमाग में दो ही ख्याल थे, एक तो नेक्स्ट ईयर मुझे कैप्टन बनाएंगे या तो नहीं बुलाएंगे. सो फर्स्ट वाला किया तो चलेगा, वरना मत बनाओ कैप्टन, लेकिन बुलाओ मुझे नेक्स्ट ईयर भी, बिकॉज या आई लव क्रिकेट. और थैंक यू रेडबुल के चांस दिया. नेक्स्ट ईयर तो मुझे लग रहा है सारा पर्स आप पे ही चला जाएगा. पर्स है, हो कुछ तो होगा ना, ठीक, वर्चुअल पर्स. हाँ, इमेजिनरी पर्स. तो करण ने भी अच्छा खेला, मैंने भी अच्छा खेला, तो ऐसे हम दो एज आउटसाइडर्स ओवरसीज प्लेयर्स थे ये मैच के लिए, और हम दोनों ने अच्छा खेला. अच्छा, ठीक है, मतलब अभी आई होप एन्जॉय. मुझे रियली चाहिए था कि मैच जाए, थोड़ा सा आगे जाए, सो दैट लोगों को भी मजा आए जो लाइव देख रहे, वरना ये मैच बहुत वन साइड हो गया. इसीलिए टेक्नो से बात कर रहा था यार, कंटेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए. आई थिंक आपको भी दूसरी साइड से बैटिंग या सारे ओवर पावर ओवर देने चाहिए. बीच में लाइव बंद करके एक स्कोर ग्लिच करके 184-43 ऐसा करना चाहिए, 23 नीडेड ऑफ 10 ऐसा कुछ तो करना चाहिए. टेक्नो सिर्फ बदले के मूड में था, वो आज फैजल बनकर आया. बोला था पहले की टेंशन, मतलब ये वाला अपना ही है, वी आर टेकिंग दिस कप बैक होम. रन का, बोल्ड का, विकेट का, सबका बदला लिया. लेकिन इस समय द मैन ऑफ द मोमेंट, वी हैव गॉट सौरभ. ऑफ कोर्स सम्मानित करेंगे अच्छी तरह, फूलों के साथ, शॉल के साथ, रेडबुल के साथ. वो तो हो गई, शोल्डर मसाज मिला कि नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, वो मैं बाद में ले लूंगा. अब तो पूरा टेम्पो आएगा घर पे रेडबुल का, आप टेंशन मत लो. F1 कार एक भेज दो बस वो. ऑलराइट सौरभ, आई थिंक आपकी टीम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है, तो प्लीज ज्वाइन बैक योर टीम. हम लोग वापस बुलाएंगे आपको थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच फोकस्ड इंडियन, थैंक यू सो मच करण. एंड देखिए माहौल यहाँ पर सेट है, यहाँ पर गेम मास्टर जेडी भी हैं जो सबको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ. हमें भी बीच बीच में डांट पड़ी लोग हमें. वैसे मेरे को आजकल शादी के सीजन में शादी का कार्ड नहीं मिल रहा है, इन्होंने रेड कार्ड पकड़ा दिया फिर से. इतना बड़ा रेड कार्ड देखो. जेडी आ जाइए, आप जुड़ी जाइए ना, आइए बात कर लेते हैं आपसे. जेडी, अभी आप ऑन फील्ड रिपोर्टर हैं कि अंपायर हैं? मैं सबका करता धरता परमाता ओमनी प्रेजेंट गेम मास्टर जेडी. डर लग रहा है आपको? थोड़ा सा तो लग ही रहा है. इतने गुस्से में क्यों हो गए? वाइड देते देते हाथ थक गए थे आपके? नहीं यार, एक्सपेक्टेड अ बेटर मैच. नॉट हैप्पी कि रेड टीम डिफेंडिंग चैंपियंस ऐसे खेलेंगे. बट पहले 10 ओवर तो बहुत ही ज्यादा मजेदार थे. किसके? जो मैच के हुए पहले 10 ओवर, उन अच्छा खेले. इन्हें बॉलिंग भी अच्छी डाली, उन्हें बैटिंग भी अच्छी की. सौरभ भाई बहुत अच्छा मारे. और मैंने सुना है कि आजकल आप शोल्डर वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, और आपने अपने ट्रेनर को बोल दिया कि इसमें तो बहुत हो गया, शोल्डर का आज वर्कआउट नहीं होगा. आज तो बहुत हो गया है ना.
आई थिंक बॉलर से ज्यादा जेडी का कल शोल्डर सोर हो जाएगा बॉलिंग करने नहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली फेल्ट लाइक आपने ऐसे हाथ पकड़ लिया था आपने नहीं नहीं वो मिस्टर खान की तरह सॉरी लेकिन यहां पर मैं जोनाथन की तरफ चलते हैं क्योंकि जोनाथन से काफी उम्मीदें थी कम यहां पे जोनाथन अभी भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद जो उनको गेम में मौका नहीं मिला एक ही बॉल खेलने का मौका मिला तो शायद अभी कर रहे हैं जोनाथन काफी उम्मीदें थी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारी टीम की स्ट्रैटेजी थी कि तुम पहले नहीं आए क्योंकि टीम लाइनअप में यू वर सपोज टू फेस द फर्स्ट बॉल लेकिन तुम टुवर्ड्स द एंड आए फर्स्ट बॉल में एकदम कहानी में ट्विस्ट हो गया व्हाट हैपेंड मैन सो एक्चुअली पता है लाइक मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कि बॉल नीचे दब जाएगी लाइक बॉल आई प्रॉपर बट नीचे दब गए फिर मैं बोला कि क्या कर सकता हूँ लेकिन सो डिडंट एक्सपेक्ट दैट बट एक बार मन तो हुआ था DRS लेने का मन यार मेरे को खेलना था और अभी इतना प्रैक्टिस किया था फिर बाद में ऐसे पहली बॉल पे आउट हुआ तो सो डिड यू एक्चुअली आपकी टीम थोड़ी होप कर रही थी इवन टुवर्ड्स द एंड कि यार फोकस इंडियन निकाल लेगा कुछ हो जाएगा कुछ मिरेकल हो जाएगा कब फोकस पे तो था किस ओवर तक आउट हो गया फिर तो होप खत्म वो तो गेम ही खत्म हो गया लेकिन किस ओवर तक आपकी ये उम्मीदें जगी रही कि यार गेम पलट सकता है लाइक जैसे मैं आउट हुआ उसके बाद फोकस था तो मैं सोचा चल फोकस अच्छा खेलता है वो निकाल लेगा इजी पर फिर जैसे मैं देखा गया फोकस भी तो फिर खत्म गेम बोला कि खत्म और अब आई फील लाइक आप पहली बॉल पे सीधा छक्का मारने की कोशिश पे आउट हो गए यहाँ पर मारने गया था मैं यहाँ पर बट बॉल दब गया नीचे हाँ। लाइक हो गया जी बट अब लग रहा है कि अगर पहली बॉल थोड़ी आराम से खेलने की कोशिश करा होता शायद बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में बट अभी आउट हो गया था आउट हो गया है ना वो जो आप दिल बना के आए थे कि यार आज इतना यू नो लॉफ्टी शॉट्स मारूंगा हाथ खोलूंगा यही प्रैक्टिस कर रहे थे मिड इनिंग ब्रेक पे सिंगल हैंड के सिक्सेस मार रहे थे है ना वो दिल नहीं भरा भाई पता है उन्होंने बोला कि भाई प्रैक्टिस में तू जो मार रहा है बट देख तो आउट होने वाला है और आउट ही हो गया कौन बोला ये उनको भी पकड़ते किधर है एम्पायर किधर है अच्छा एम्पायर जेडी ने बोला ये गेम मास्टर जेडी कुछ नहीं ऑल राइट तो गेम मास्टर जेडी को हम लोग कटघरे में फिर खड़ा करेंगे क्योंकि उनकी जुबान में था कि अभी तू उड़ा रहा है शॉट्स लेकिन गेम में नहीं उड़ा पाएगा वो फ्यूचर देख पा रहे थे जेडी आप पे बोला जा रहा है कि आपकी जो जुबान है उस पे क्या बैठती है क्या बैठते हैं जो पनौती बैठती है पनौती उनौती की बात नहीं है बेचारा प्रैक्टिस में ही थक गया इधर आते ही वापस गया मैं बोलता रह गया बैठ ले रेस्ट कर ले अच्छी टेक्निक है गेम में मार ले नहीं चार पांच ओवर खेल लिया छठे ओवर में आते हैं आउट तो आप चलो जेडी भाई हमें सब कुछ बता सकते हैं बट आई थिंक स्टेज पे लोग हमारा इंतजार कर चले, रहे हैं अपन चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के साथ खत्म करते हैं बहुत ही बढ़िया गेम हमें देखने को मिला बैटिंग बॉलिंग कैप्टेंसी ऑफ टेक्नो एंड दैट एनर्जी विद विच द एंटायर टेक्नो टीम प्लेड तो रोहित यहां पर बिल्कुल हमारे पास तीन ट्रॉफीज हैं एक बेस्ट बैटर के लिए एक बेस्ट बॉलर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूरी टेक्नो टीम है वो भी इधर आ जाएं क्योंकि पता तो आपको है कि सारे अवार्ड आपको ही मिलने हैं वेनम वाले पहले आ गए वेनम को आदत है पिछले साल की कि प्रेजेंटेशन में हम लोग पहले ही आ जाते लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट गो वेनम्स वे लेकिन वापस बदला यहां पर जो ले लिया है टेक्नो ने काफी दिन से बात कर रहे थे इसके बारे में लेकिन वो बदला पूरा हो चुका है राका अभी भी कोई मौका छोड़ते हुए नहीं वापस सुनाने का बट शुरू करते हैं सबसे पहले वी हैव द बेस्ट बैटर एंड MVP एंड आई थिंक देयर आर नो गेसेस सौरभ ने ऑलरेडी चलना भी शुरू कर दिया हमारी तरफ इट्स ऑब्वियसली सौरभ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज ब्रिलियंट 107 एंड फील्डिंग ये फोटो लेना तो बचपन से सपना था चलिए हमारी फोटो हम ऐसे खड़े हैं अच्छा आई थिंक ये वीडियो है कोई फोटो नहीं ले रहा है तो हम लोग है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप कुछ कहना चाहते हैं काफी स्पीच की गुजारिश हो रही है आपकी टीम से या आई रियली वांट टू थैंक रेड बुल एंड यस सबको थैंक यू कि मतलब मज़ा आया मुझे खेलने को बहुत जेन्युइनली मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत टाइम से खेलना था ऐसा कोई मैच जहाँ पर
मैं दिख रहा हूँ लाइव लोगों को, बचपन से सपना था बट वो अभी आज पूरा हो गया. लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे खेलने को और मुझे कॉन्फिडेंस था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है. मैं बोला भी था मेरे दोस्तों को, तो वो जो जिंक्स किया वो हो गया, मतलब जो चाहिए था वो हो गया. आपको वेनम टीम का बेस्ट बॉलर कौन सा लगा जिसको छक्के मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? कोई मारे तो आपने सबको? आई गेस इनको मीजो को. हाँ, वाइड बहुत आ रहे थे. मैं एक तो मैंने वाइड पे सिक्स मारा और मैं बोला भी करण को कि भाई बोर हो गया अभी, मैं इतना पेशेंस नहीं कि मैं हर बॉल छोड़ू. तो एक वाइड पे भी मैंने सिक्स मार दिया. हाँ. दूसरा भी ऑलमोस्ट वाइड ही था, उस पर भी सिक्स मार दिया. तो मैं बोला अभी छोड़ो, वरना शायद अभी तक मैच चालू होता. सॉरी बट थैंक यू सो मच सौरभ. थैंक यू कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर ट्रॉफी. इसके साथ ही सोना माइक छोड़. अच्छा ठीक है, कंफ्यूज हो गए थोड़े लेकिन बैटिंग में कंफ्यूज नहीं हुए, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. एंड अब चलते हैं द बेस्ट बॉलर की तरफ, एंड लेट्स फाइंड आउट हु इज द बेस्ट बॉलर. बेस्ट बॉलर, एनी गेसेस? एनी गेसेस? नहीं, टेक्नो नहीं है गाइस. एनी गेसेस? टेक्नो ही है, ऑब्वियसली टेक्नो ही है. आ जाइए टेक्नो, कांग्रेचुलेशंस. अपना नाम नहीं लिया, ही वाज लाइक ऑब्वियसली मुझे मिलने वाला है भाई. हिसाब बराबर, ये ट्रॉफी भी हाथ में, ये बड़ी वाली ट्रॉफी भी हाथ में. इनफैक्ट तीनों ट्रॉफी लेकर गए. एंड बदला पूरा कितना दिल खुश है इस समय. बदला पिछली बार का भी पूरा कर लिया ना, 150 रन एक्स्ट्रा. पिछली बार 120 थे, तो दोनों बार का अभी हरा. तो आपको, आप इसको टेस्ट क्रिकेट की तरह देख रहे हो कि दो मैच ऐड करके भी जीते तो मेरी टीम ही. हाँ, कह सकते हो. अच्छा, अब एक बात बताओ, जो आपने दूसरा ओवर डाला जिसमें आपने तीन विकेट निकाली, सारे क्रूशियल बैटर आउट कर दिए, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? बिकॉज जब हमने वेनम को देखा तो उन्होंने सब बॉलर्स के पहले एक एक ओवर खत्म करे फिर दूसरा ओवर लाए, बट आप बहुत जल्दी अपने आपको सेकंड ओवर के लिए. मैंने थोड़ा पिच का एडवांटेज उठाया, वहाँ पे बॉल अच्छी स्पिन हो रही थी और थोड़ी सी कम उछल रही थी, तो मैंने वही डाली. स्पिन हो रही थी क्या बॉल? हमें तो इधर से पता ही नहीं चला. हाँ, तो आप साइड से देख रहे हो, साइड से क्यों पता चलेगा? चलिए, जिसका फायदा उठाया टेक्नो ने उसी का नुकसान हुआ जॉनथन को. जॉनथन ने बोला कि उछल नहीं रही थी इसलिए मैं आउट हो गया. ये कह रहे हैं कि उछल नहीं रही थी इसलिए मैं छक्का मार पाया. तो हमने सौरभ से पूछा उसका फेवरेट सिक्स, व्हाट वाज योर फेवरेट विकेट? फेवरेट विकेट विली वाला, मेरे लिए सबसे मेन ही हुई था. मतलब विली को आउट करना ही एक टारगेट था, बाकी तो झेल लेते हैं. बाकी तो मैं लेफ्ट हैंड से भी ले लेता यार, तो राइट हैंड यूज करना पड़ गया तो कर लिया हमने. बट उम्मीद थी इतनी जल्दी गेम ओवर कर दोगे आप? थोड़ा सा डर था स्टार्टिंग में, मतलब जान मुझ के डर होना भी चाहिए ताकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके ऐसे पूरा ये था मन से कि भाई फील्डिंग बहुत टाइट रखनी है. बट ये था कि जीतेंगे तो, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा करते हैं सौरभ ने जो रन मारे हैं, इतना तो था कि अगर ये लोग पहुंच भी गए तो जीत नहीं पाएंगे. वो तो वेनम ने शुरू में बोला था कि हम 110 रन पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सौरभ ने अकेले ही 107 बना दिए. वही. लेकिन यहाँ पर आपके उसमें स्ट्रैटेजी में कहीं था कि, क्योंकि मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले सौरभ से बात हो रही थी, सौरभ कह रहा था कि अगले साल मुझे बुलाएंगे तो मैं ऐसे कैप्टन आना चाहूँगा. तो ऐसे कैप्टन अगर सौरभ आएंगे तो आप उनके अंडर खेलेंगे? हाँ, इजीली खेलूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हमारी टीम में ऐसे सभी कैप्टन होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी चल रही, सब एक दूसरे की सुन रहे थे तो सभी कैप्टन थे. टेक्नो तो फुली एकदम पॉलिटिकली करेक्ट हो गए कि अगले साल पत्ता नहीं कटना चाहिए, ओपनिंग बैटर ही आना है मुझे और दो ओवर भी चाहिए. बट हम आई थिंक इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को यहाँ खत्म करते हैं. एज अ कैप्टन हमने आपका भी पूरा इंटरव्यू ले लिया, पूरी विनिंग टीम पीछे आ जाओ. यस प्लीज टीम टेक्नो, पीछे 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 पीछे. लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वेनम, मैं चाहूंगा कि आप आ जाएं सामने. यू हैंड ओवर दिस ट्रॉफी, क्योंकि एक बहुत ही कमाल का गेम रहा पिछले साल से. कहानी शुरुआत शुरुआत हुई पिछले साल, एक तरह से इस कहानी का हमें अंत अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट मिला है इस साल. लेकिन वो इंटरेस्टिंग बना था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बेस्ट ऑफ थ्री है, तो अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग और पावर से आएंगे. बेस्ट ऑफ थ्री हो चुका है. पिछले साल आपने बोला था कि अगले साल मैं बदला लूंगा, अब वेनम कह रहे हैं कि ये बेस्ट ऑफ थ्री हो चुका है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल फिर देख लेंगे. मजा तो बहुत आ रहा है, बट थैंक यू रेड बुल, ऐसा चलते रहना चाहिए. ये मुझे लग रहा है चलते रहे तो इन दोनों के बच्चे भी कॉम्पीट कर रहे होंगे कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी. ऑलराइट, लेकिन मैं चाहूंगा कि वेनम प्लीज हैंड ओवर द ट्रॉफी टू द विनिंग टीम, टीम टेक्नो गेमर्स द विनर्स. बदला लिया, बढ़िया गेम खेला एंड जीत चुके हैं द अमेजिंग प्लेयर्स ऑफ टीम टेक्नो, द विनर्स ऑफ दिस ईयर्स रेड बुल शोडाउन. एंड इसी के साथ जाने से पहले अगर आपने वो लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज टैप ऑन दैट लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस
My name is Rohit Varghese. I am Anga Singh Ranyal, and hopefully we will see you next year with an even better competition. So see you and good night.